कहते हैं, भूल जाते हैं, करोड़ों रुपए कमाने वाले बच्चे ये भूल जाते हैं कि मुझे पिता के चरणों में झुकना चाहिए। यदि गरीब पिता ने पढ़ा लिखा करके अमेरिका पहुंचा दिया हो, वो भूल जाता है कि गरीब पिता ने वो पूज है, वो गरीब पिता पूज है, वो गरीब और पूज है वो, क्यों? क्योंकि उसने बहुत कष्ट उठा करके भी तुझे पढ़ा लिखा करके अमेरिका पहुंचाया है। ये दृष्टांत हो गया, दृष्टांत ट्विन ट्विन बन समझते हैं, माने बहुत पढ़ा लिखा ये भूल जाता है कि पिता किसको कहते हैं। माने आजकल की संतान माता पिता को जो जवाब देते हैं वो बड़ा खतरनाक होता है, और नहीं भी देते तो सोचते तो है ही तो क्या एहसान किया पाल पोस कर, कुत्ता बिल्ली तो अपने बच्चे पाल देते, तुमने कौन सा एहसान किया? पढ़ाते लिखा दिया तो सभी पढ़ाते लिखाते, तुमने हमें जन्म देके कौन सा निहाल किया? कहते नहीं हो तो कदाचित दे भी देते आजकल की तो, लेकिन नहीं भी कहते हो तो अंदर में उपेक्षा का भाव ही बता रहा है। उपेक्षा का भाव ये बता रहा है कि तुम्हें माता पिता की कदर नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान की अधिकता मैं यदि तुम डूब गए हो तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हें सामान्य ज्ञान नहीं रहा। क्या कहा? तुम्हें सामान्य की महिमा नहीं रही तो तुम्हारा ज्ञान अज्ञान है। सामान्य सामान्य समझते हो, सामान्य माने चकाचौन से रहित, सामान्य मतलब चकाचौन से रहित। कभी कभी खिलाड़ियों की महिमा आती है, महिमा आती है ना क्षणिक। एक बार सचिन के पापा गुजर गए थे और वो खेलने गया था, भारत को बहुत जरूरत थी उस समय, और उसने सेंचुरी बनाई तो सब लोग बहुत उसको बहुत हाईलाइट कर रहे थे, बहुत गजब गजब बहुत अच्छा। लेकिन उसने अपने आंखों में आंसू भर कर कहा, यह सेंचुरी मेरे पिताजी के लिए समर्पित है। बोलो कैसा लगता है सुनकर? उसके पिताजी सामान्य आदमी थे और सचिन के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ माने इधर से बहुत कुछ नहीं उधर भी बहुत कुछ, लेकिन लेकिन जब वो पिता को याद करता है तो सारी दुनिया हृदय से भर जाती है। उसने ये नहीं कहा ये सेंचुरी मेरा कमाल है, नहीं नहीं मेरा कमाल इसमें कुछ है नहीं। जब कोई अच्छी बातें होती ना, कोई राष्ट्रपति पदक मिला और एक बुजुर्ग पिताजी धोती पहने हुए थे और लाठी लिए टेकते हुए आए, झट अपने पिताजी के चरणों में झुक गए, सारे कैमरे फ्लैश करने लगे वहां सना, ये पुत्र ठीक है, ये पुत्र है। जिसको ऐसा नहीं लगता ये बाप क्यों आ गया इधर, लोग क्या समझेंगे ऐसा बुढ़ा बाप है मेरा। क्या कह रहे हैं? सामान्य चकाचौन से रहित होता है, सामान्य ध्रुव भगवान चकाचौन से रहित होता है। क्षयोपशम की धमाल, लॉजिक की धमाल, तर्क की धमाल में भगवान आत्मा को भूल जाते हैं। सना तुम विशेष ज्ञान से, क्षयोपशम ज्ञान से, ज्ञान गुण के क्षयोपशम से भगवान को नहीं नाप पाओगे, ज्ञानियों को नहीं नाप पाओगे। सारे ज्ञान को तिलांजलि दे करके देखो, ऐसा उन्होंने कहा पहला पहला बोल प्राय करके इस जीव को ये अहंकार रहता है कि मैं बहुत समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं भी समझता हूँ, ये पहला ऐसा उसने कहा। और भी लिखे तीन, मुझे तो वो प्रकरण नहीं लेना, मुझे तो अपनी ये बात कहना है। एक ज्ञान गुण, अभी अपन क्यों समय दर्शन करने के नाम पर क्या करना चाह रहे, ध्यान से सुनना। भेद विज्ञान किसको कहते हैं पता है? भेद विज्ञान माने भेद का विचार नहीं, भेद का विचार नहीं, स्वपर के भेद का विचार भी नहीं। भेद विज्ञान थोड़ी सूक्ष्म बात कहना चाह रहे हैं, भेदों का विचार नहीं, गुणों का विचार नहीं। विचार और भेद विज्ञान में अंतर है, विचार अलग चीज है, क्षयोपशम अलग चीज है और भेद विज्ञान अलग चीज है। क्या फर्क पड़ता है? नाम तो भेद विज्ञान है, समझ रहे बेटे? क्या भेद विज्ञान में अपन बैठ गए, देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मैं गायक हूँ, देह जड़ है, मैं चेतन हूँ, खाने की क्रिया मेरी नहीं है, मैं तो कहता हूँ, ये तो विचार है, ये तो रटा रटा है विचार है। अपन बच्चों को सिखा देते तो ड्रामा में करते हो, बिल्कुल बोल देते ड्रामा में आकर के, लेकिन ये विचार है। वेद विज्ञान किसका नाम है? टोटम जी साहब से पूछो, दौलत राम जी से पूछो, आप में आप बुद्धि आ जाए इसका नाम वेद विज्ञान है। अहम करने योग्य सामान्य ज्ञान की महिमा आ जाए इसका नाम वेद विज्ञान है। आपने मकान बनाया,
कब खरीदा था, कितने में खरीदा था, कितनी ईंट लगी, कितना सीमेंट लगा, कितना वो लगा, किससे रजिस्ट्री करवाई थी, वो सब आपको पता है। ये सब छेपसम ज्ञान है, इसका नाम वेद विज्ञान नहीं है। आपको पूरी डिटेल याद है, कौन से सन में हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, पूरा पिक्चर की तरह याद है, घटना चक्र पूरा। ये सब छेपसम ज्ञान है, इसका नाम वेद विज्ञान नहीं है। वेद विज्ञान किसका नाम है? चलो, 4 साल का बालक मंदिर से सीधे घर में गुस्सा चला जाता है, ये वेद विज्ञान। 4 साल का बालक अपने घर में अहम पाने घुसता चला जाता है, उसे ऐसा नहीं सोचना पड़ता कौन से खरीदा था, कितने में खरीदा था, कब बना था, कितना पैसा लगा, कितनी कितनी सीमेंट थी, क्या क्या लगा, और उसे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, बस ये मेरा घर है। यदि कोई पुलिस वाला रोक दे, रुको कहाँ जा रहे हो, अपने घर में बताइए, अपने घर का परिचय बताइए। I don't know, but I can confirm it. It is my house. It is my flat. क्या? पहले बताओ कितने बाई कितने का है? बताओ कितने बाई कितने का है? हो सकता है उस बच्चे को इतना भी नहीं मालूम कि 2 bedroom plus kitchen plus और क्या क्या होता है, वन हाल, और नहीं बता सकता हूँ इतना, नहीं मालूम हो सकता, नहीं मालूम। लेकिन उसको भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान माने आपने आपका बुद्धि। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, जब तक आपको भेद विज्ञान की पहचान नहीं है, आप वेदों के ज्ञान में ही भेद विज्ञान समझ लोगे, और वेदों के ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान विचार, फिर बस थोड़ा रटा जाएगा, तो प्रवचन करने लगो, फिर दूसरे को सुनाने लगो, फिर दूसरे तुम्हारी पीठ ठोक देंगे और तुम भी खुश हो जाओगे। पंडित साहब 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम खूब विचार चलता है। क्या विचार चलता है, ध्यान से समझना भैया। सम्यक दर्शन करने के नाम पर भी तू निर्विचार होने की चेष्टा करता है। पहले विचार करता था, पहले विचार करता था तो वो भी छोपसम कोई कमाल था। अब जब निर्विचार होना चाहता है, ये भी छोपसम कोई कमाल है। निर्विचार हो जाने का नाम निर्विकल्पता नहीं है। निर्विचार होने का नाम अहम नहीं है। निर्विचार होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्विचार होना तो मन रहित प्राणी का काम है। निर्विचार हो जाने में क्या है? पेड़ पेड़ विचार करता है क्यों? अभी पेड़ सोच रहा होगा अपने धन्य भाग सुमत प्रकाश जी के प्रवचन हो रहे हैं, उसे कुछ नहीं हो रहा होगा, पेड़ को क्या हो रहा है बता। विचार करने की क्षमता तो ध्यान रखना, विचार करने की क्षमता विचार रोकने के लिए नहीं मिली, विचार करने की क्षमता स्वयं ज्ञायक में अहम करने के लिए मिली है, अर्थात भेद विज्ञान के लिए मिली है। असंगी पंचेंद्री तक भेद विज्ञान अर्थात विचार करने की क्षमता नहीं है, विचार करने की क्षमता नहीं है। हे को हे और उपाधे को उपाधे जानने की क्षमता नहीं है, हे उपाधे की सामर्थ्य नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे विचार करने की क्षमता हुई, लेकिन ये विचार कर क्या विचार करें? अब यहीं पर थोड़ा सा कमाल है, डाइवर्ट कर दो, विचार कर क्या विचार करें? ये कितने गुण भेद हैं, कितने पर्याय भेद हैं, कितनी गाथाएं हैं, कितना कितने प्रवचन हैं, कितना क्या है, ये विचार ही कर। ये विचारों से विभिन्न ज्ञाय भगवान, मैं विचारों से भिन्न, ए अहम करने लायक कौन है? वो ज्ञाय भाव, वो ज्ञाय भाव। अब अंदर की बात चल रही, बाहर का प्रजातंत्र जो ऐसे कहते हैं भैया, यदि अपने को अभी सुनना ध्यान से, जरा मेरी मार्मिक बात कहना मुझे, स्वामी जी की महिमा क्यों आती है हमको, कि जब कभी भी हम गीता बाइबल या कोई चीज पढ़ेगी ना, कोई चीज कोई और ग्रंथ पढ़े, अन्य वेदांत का पढ़े, और जैसे ही हम पढ़ते हैं वहां एक तरफ दूसरे का कुछ नहीं करता, झट लट्टू हो जाते हैं, ओ यही तो समय से हमें लिखा है भाई, यही बात इसमें लिखी है, आत्मा की सत्ता को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भले आदमी बहुत सूक्ष्म स्थूल बात है, वो दो द्रव्य की स्वतंत्रता यूं तो स्वीकार नहीं कर सकते वो, क्योंकि जहाँ निमित्त निमित्त के ज्ञान नहीं है, कर्ता कर्म का आता पता नहीं है, उन विचारों को क्या कह रहे हैं कोई होश नहीं है, उनकी चर्चा तो हम नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ तो और सूक्ष्म बात है, दो गुणों के बीच में भी अकारण अकार्य है, एक गुण दूसरे गुण का कारण नहीं है। तो ज्ञान गुण के 6 समय में पढ़ करके, पढ़ाई करके 8 घंटा 6 घंटा रोज 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 एकदम नहीं लगता समझ, अब आगे पास पहुंच रहे हैं। पंडित जी किसी को सम्यक दर्शन हो या नहीं, हमको जरूर होगा। क्यों?
प्रूफ बताइए, प्रूफ क्या? अरे 8 घंटा रोज पढ़ता हूँ सुना, 8 घंटा पढ़ने में अहम ये बता रहा है तुम्हें चलती है सुन, 8 घंटे की क्रिया, 8 घंटे की क्रिया पढ़ने की, सुनने की, पूजा की, पाठ की, व्रत उपवास की, कोई सी और तू उसके बल पर, बल माने अहम, टोटम जी साहब ने लिखा है वे पर्याय में ही बल धारण किया करते, बल क्या है बल, ये है अहम, पर्याय में ही बल धारण करते माने अहम, क्यों आपको समय दर्शन क्यों हो जाएगा बोलो, मैं जिन जिनको ऐसा लगता है ना, आई एम क्या कहलाता है, उम्मीदवार, उम्मीदवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैंडिडेट, थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है, एक होप जिसको होती है ये समझ लो, जिसको एक होप होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि आई एम ए कॉम्पिटेंट कॉम्पिटिटर का सम्यक दर्शन का हकदार, यदि तुम सम्यक दर्शन के हकदार है तो पहले बल किसमें धारण कर रहे हो, बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक की बात है बोलो, यदि आपको लगता है सारे सबूत में इतना पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम ऐसा ऐसा करता हूँ इसलिए मुझे सम्यक दर्शन, मैं गुरुदेव को पूछता हूँ, गुरुदेव को मानता हूँ, आचार्य कुनकुन को मानता हूँ, मैं समय सार जी को मानता हूँ, यदि इनमें बल धारण करते हो तो दैट इज नॉट करेक्ट वे, क्या गजब है, अकारण अकार्य, एक गुण दूसरे गुण में कारण नहीं है, पंडित जी हम इतना जानते तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, कई लोग एक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न बोल देता हूँ उत्तर आप ही खोजना उसका, कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं क्या हमने आत्मा पहली बार जाना, क्या हम आत्मा को पहली बार सुना, क्या समय सार जी पहले कभी नहीं सुना होगा, जब हम देवी ध्वनि सुने समोसरण में अनंत बार गए होंगे तब नहीं सुना होगा, तब हम द्रवलिंग की मुनि हुए 11-9 पूर्व के पाठ हुए तब आत्मा को नहीं जाना होगा, आत्मा के बारे में नहीं जाना होगा, समझ गए प्रश्न, लॉट ऑफ क्वेश्चन, उत्तर बोलो भैया, दो गुणों का अकारण अकार है तो नहीं समझा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, तू क्षोभसम की धमाल में सोचता कि क्षोभसम की धमाल कारण बन जाएगा और सम्यक दर्शन कार्य बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ओहो बोलो क्या आश्चर्य है, जरा क्षोभसम बढ़ जाए तो बल धारण कर लेता, बल माने अहम, वे लोग तो कितने बड़े मूर्ख होंगे जो पैसा कमा कमोगे जो थोड़ा बहुत बाहर कर करा के इज्जत आवरू लाड़ी बाड़ी ने गाड़ी बल धारण करते हैं उनकी तो, उनकी तो बात ही नहीं है, यहाँ तो कह रहे हैं दो गुण के बीच में, दो गुण के बीच में एक गुण दूसरे गुण का कारण नहीं है, दूसरा गुण इसका कार्य नहीं है, मैं अभी बोलू दृष्टांत, हो ये बालक है ना छोटा सा प्यारा बालक, मैं कहता हूँ सम्यक दृष्टि है, तो आप आंख बंद करके स्वीकार नहीं करोगे, आप फौरन इसका ज्ञान गुण टेस्ट करोगे, मैंने किस बात किस कौन से गुण की पर्याय के बारे में डिक्लेरेशन की है, श्रद्धा गुण की, आप कौन से गुण टेस्ट करोगे इसका ज्ञान गुण, अब ये बच्चा नहीं बता पाएगा, भले सम्यक दृष्टि है, एक गाय भैंस बाहर खड़ी है, गाय खड़ी है और मैंने कहा ये सम्यक दृष्टि है, आप आंख फाड़ के देखोगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि आप तो इसे देख रहे हो, आंख फाड़ के क्या देख रहे हो, आपको क्या आत्मा दिख रही है क्या, उसका श्रद्धा गुण दिख रहा है क्या, बता, हम कह रहे असंख्यात त्रियत सम्यक दृष्टि है, असंख्यात तो बंबई में एकाध तो होगा सम्यक दृष्टि नहीं है, शांति में एका सम्यक दृष्टि तो होगा त्रियंश, अब मैं कह देता हूँ यही है, आप मानोगे क्यों नहीं मानोगे, ना तो आपको आत्मा दिख रही है ना श्रद्धा गुण दिख रहा है, आपको तो यही यही दिख रहा है, पंडित जी वो तो पूछ ला रही है, अच्छा तो सम्यक दृष्टि क्या पहचान है, पूछ नहीं ला रही, क्या नहीं खाए पिए क्या कर, आपकी क्या 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 पहचान है बता दो, अब आप उसे पूछोगे हे गाय माता तमें कौन छो तो क्या बोलेगी, वो तो जैसे बोलती होगी उसी की भाषा में बोलेगी, बस अब तुम्हें क्या हो, तुम्हें तो जवाब देगी नहीं हो कुछ, अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सारे हमारे दिमाग में अकारण आकार की खबर नहीं होने से हम श्रद्धा को ज्ञान से डिटेल माने ट्रेस करना चाहते हैं और या फिर ज्ञान से श्रद्धा को प्राप्त करना चाहते हैं, भाई 11-9 पूर्व का पाठी भी सम्यक दर्शन पाने में असमर्थ है, कब तक, उत्तर बता दो, बोल दिए बोल चुके इसलिए पूछ रहे, उत्तर बोलो कब तक, जब तक वो क्षोभसम में अहम धारण करता है, तो अहम काय में धारण करना था, वो क्या कहो ज्ञान सामान्य कहो
रूप कहो, पर उसका बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अभी भी आपको लग रहा होगा, मैं तो इसलिए बात कहता हूँ, सुनना ध्यान से, 5 मिनट का लेक्चर बहुत है सम्यक दर्शन के लिए, 5 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं, 5 मिनट भी बहुत कह रहा हूँ मैं आपको। क्यों, शेर ने कितने मिनट तक प्रवचन समय दे सम्यक दर्शन के लिए? बोलो, जटायु ने मुनिराज का आहार दान देखा था, प्रवचन भी नहीं सुने थे, सम्यक दृष्टि कैसे हो गया था? हाथी, पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में मुनिराज को देख करके ही सम्यक दृष्टि हो गई। सम्यक दृष्टि कैसे हो जाती है? कोई बात तो होगी ना, कैसे हो जाते होंगे सम्यक दृष्टि? ध्यान रखना, अपन लोग पूरी पूरी ताकत ध्यान में लगा रहे हैं, जबकि होना चाहिए अहम में। बहुत सरल है, देखो एक बहुत सरल दृष्टांत दूं, सुनना बेटे। 1 करोड़ का हीरा एक भिखारी के पास होए, भिखारी के पास, अब वो इंग्लिश नहीं जानता, भिखारी तो पहले ही पढ़ा लिखा तो है नहीं, 1 करोड़ का हीरा उसके पास है, तो उसे करोड़पति का अहम करने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या क्या करना पड़ेगा? हीरे का पूरा ज्ञान करना पड़ेगा, पूरे जितने लोग महिमा करेंगे हीरे के बारे में महिमा करेंगे, वो महिमा रिकॉर्ड याद करना पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? जितने लोग बातें करेंगे हीरे के बारे में वो याद करनी पड़ेगी, बार बार हीरे की चर्चा करना पड़ेगी, वार्ता करना पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन, हीरा, 1 करोड़ का हीरा, फला व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, फला जवेरी ऐसा बोल रहा था, फला ऐसा बोल, ऐसे याद करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? बोलो पंडित जी, एक काम करो, आप 1 करोड़ का हीरा गिफ्ट में दे के दिखाओ। आप कोई को डिटेल नॉलेज याद रखने की जरूरत नहीं है, सब भूल जाए, सब एक बात अहम अहम अहम, इसका नाम अहम अहम रह जाएगा, अब मैं दरिद्र नहीं। क्या हीरा है ना, हीरा की डिटेल नहीं, हीरा है ना, 1 करोड़ का हीरा है, हीरा है ना, है ना जी, जी बल धारण है ना जी, अहम, ऐसे में त्रिकाली ध्रुव परमेश्वर होने पर हो गए समय। अब तुम जैसे समझ में आए वैसे समझ लो, चाहे भगवान का दर्शन करके समझ लो, चाहे मुनिराज का दर्शन करके समझ लो, चाहे शास्त्र पढ़ के समझ लो, जैसे समझो वैसे समझ लो। सही बताऊं, अभी हमें गाथाओं की महिमा आ जाती है, सबसे अच्छी गाथाएं कौन सी है समय सारणी की है? अरे साहब, 36 जोड़दार, 144 जोड़दार, सर्वी सुध ज्ञान अधिकार जोड़दार, मोक्ष अधिकार जोड़दार, और भी, मैं तो साहब बस उसी उसी में करता हूँ। अच्छा, उस नहीं करोगे तो अरे सब फिर आनंद नहीं आता। वो मैं जब तक एक बार 6 गाथा का सुन नहीं लेता गुरुदेव का प्रवचन, विचार नहीं कर लेता, तब तक आनंद नहीं आता। जिस दिन प्रवचन नहीं सुनता उसी दिन खाली खाली लगता है। इसका मतलब तूने 1 घंटे के प्रवचन में अहम धारण किया है, तूने गाथा विशेष में अहम धारण किया है, तूने गाथा विशेष के चिंतन में अहम धारण किया है। मैं फिर कहता हूँ, 1 करोड़ का हीरा की डिटेल कितनी बार सुनना है बोलो? है कोई आदमी जो 1 करोड़ के हीरे की डिटेल रिकॉर्ड करे और रोज सुने? बोलो, मैं इसको बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, हीरा थोड़ा कठिन पड़ता है, देखा नहीं ना कई लोगों ने, तो और सरल कर देता हूँ। क्या बेटे, तुम करोड़पति हो कि लखपति? डरना मत, बोल दो, कुछ भी बोल दो साहब, करोड़पति। ये करोड़पति का अहम करने के लिए रोज नोट गिनने पड़ते ना, करोड़ के गिनने पड़ते नहीं, इतने का प्लॉट, इतना गोल्ड, इतने की कार, इतना फैक्ट्री, और 500 के इतने नोट, 100 के इतने नोट, 1000 के इतने नोट, ऐसी कैसे करना पड़ता है ना बेटे? अरे हंस रहा है बच्चा, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे करोड़पति का अहम 24 घंटे ऑटोमेटिक सोते जागते उठते बैठ, क्यों सपने में कभी करोड़पति अपने भिखारी देखता है? अहम उसे स्वप्न नहीं देखने देता, करोड़पति का अहम उसे गलत स्वप्न, विपरीत स्वप्न नहीं देखने देता। ऐसे त्रिकाली ज्ञान में अहम करने वाले को विपरीत स्वप्न नहीं होते, विपरीत विचार नहीं होते। अहम अहम बहुत बड़ी चीज है, लिखा है भैया, भगवान सिद्ध भगवान संसार में दाखिल नहीं होते, ये उनके श्रद्धा का बल जानना, ये श्रद्धा का बल जानना कि वे संसार में वापस नहीं लौटते,
श्रद्धा माने कोई छोटी मोटी चीज नहीं, श्रद्धा माने पूरे विश्व का प्राण, प्राण समझाऊ दृष्टांत दे करके, बिना दृष्टांत दे समझ नहीं आता, पहले अहम समझाए ना। कल्पना करो एक स्त्री यानी पत्नी अपने पति की श्रद्धा ना करे, श्रद्धा ये करे कि लड़का तो बहुत जोरदार है, वो लड़का जोरदार है, सुखी यदि होती तो उसके पास, श्रद्धा उसके बारे में रखती है और रहती आपके साथ है, सेवा आपकी करती है, भोजन आपको कराती है, कपड़े आपके धोती है, सारा काम आपका करती है, आपके बच्चों का पालन करती है, सब काम करती है, बोलो मंजूर है। बस एक श्रद्धा ही गड़बड़े, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो फुल डिटेल मालूम है हस्बैंड का, ज्ञान शिव समझा, फुल डिटेल कितनी तारीख को शादी हुई थी, कितने बजकर कितने मिनट पर भावना पड़ी थी, कब क्या हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल मेमोरी में, फास्ट क्या मुकाबला करेगा तुम्हारा वो सब, ऐसे याद, सब याद है, सब बात अच्छी है। लेकिन जब भी आप शर्ट पहन कर आते हो नई और उससे पूछते हो कैसा लग रहा हूं, ये शर्ट वो पहनता ना तो मजा आ जाता, आप बोलो नहीं उसके पास गई नहीं है, वो क्या कह रहा हूं उसके पास गई थोड़ी है, जाएगी भी नहीं कभी, वो तो कसम है भगवान परमेश्वरी की, जब तुमसे शादी होगी तो रहूंगी तो तुम्हारे साथ, इस भाव में तो मैं तुम्हारी ही हूं, परंतु अहम अहम बल श्रद्धा, समझ में आ रहा दृष्टांत, बोलो भाई कितना परसेंट मंजूर करोगे, एक श्रद्धा की गड़बड़, कभी जाती भी नहीं, देखती भी नहीं, बोलती भी नहीं, एसएमएस नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कोई इंटरनेट चैटिंग मैटिंग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी साफ सुथरा चरित्र। लेकिन जब भी पति कहे, बस एक पति की श्रद्धा नहीं करती, बाकी सब करती, अहम अहम बल, बोलो बोलो क्या कहो यार, इससे पता लगता है श्रद्धा का बल, आ सम्यक दृष्टि, छह खंड की विभूति में रहता हुआ भी उसका बल यहाँ रहता है, उसे छह खंड का बल नहीं रहता, भिखारी मिथ्या दृष्टि, भिखारी मिथ्या दृष्टि के पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो पर में बल धारण करता है, ऐसा फ्लैट हमारा होता, ऐसी कार हमारी होती, ऐसा 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 ऐसा, बस ए अहम अहम अहम, इसका फल 84 लाख योनि है, जो पर में ही अहम धारण किए रहते हैं बेचार गति 84 लाख में घूमते हैं भैया, बहुत पंडिताय की जरूरत नहीं है इसमें, ये तो मैं प्रवचन करके सुना रहा हूँ, यदि कोई गांव की लड़की हो ना अंगूठे छाप समझते हो, अब तो वैसे अंगूठे छाप ढूंढना मुश्किल है ना, अब तो अंगूठे छाप मिलने ही मुश्किल होंगे, लेकिन पुराने जमाने का दृष्टांत है अंगूठा छाप, माने कोई पढ़ी लिखी ना हो तो उसकी शादी हो जाए, तो अहम अहम धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कितने व्रत उपास करने पड़ेंगे अहम धारण करने के लिए, बताओ क्या करना पड़ेगा अहम धारण करने के लिए, वो तो शादी हुई और अहम हो गया, ये मेरे पति पास, इनकी हानि मेरी हानि, इनका लाभ मेरा लाभ, मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं करना चाहता, फिर भी थोड़ा सा दृष्टांत बताता हूँ, इसको अहम का दृष्टांत, लड़की की सगाई हो गई, सगाई समझते हो सब, एंगेज हो गई, एंगेजमेंट हो गई, अभी कहाँ रह रही हो, पीहर में कि ससुराल में, पीहर में रह रही, बदलना मत बाद में ना। कहाँ रह रही सगाई के बाद हो, पीहर में, बराबर है, अरे कोई बात, अभी स्टॉक एक्सचेंज में उसका हस्बैंड काम करता था शेयर मार्केट में, और इसका भाई भी करता था, भाई भी करता था, देखो तो भाई को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और हस्बैंड को 1 लाख का घाटा हुआ, बोलो भैया ये खुश होगी कि दुखी होगी, नहीं क्या बात कर रहे, जिस घर में रह रही है, जिस घर का खा रही है, 25 साल से जिसके साथ रह रही, भैया भैया भैया, भाभी भाभी भाभी, मम्मी पापा, बल कहाँ है उसका, नहीं सही सही बोला है, अभी तो शादी नहीं हुई, सगाई हुई अभी तो, बोलो कहाँ बल धारण करे, यदि उसे मैसेज मिल जाए कि उनका 1 लाख का घाटा हुआ और इधर 10 लाख का फायदा हुआ, तो सब लोग मजे से खाएंगे पियेंगे, हंसेंगे, आनंद करेंगे, और उसका चेहरा उतरा रहेगा, अम्मा भी पूछेगी सू थी गयो क्या हो गया, कुछ नहीं, उनको नींद आ रही होगी कि नहीं, उनको कुछ, उनको कैसा लग रहा होगा, मैं होती तो उनको सिंपैथी देती, बोलो हो सकता है नहीं हो सकता, बराबर, इसका नाम है सम्यक दर्शन,
अब इसे करने में क्या मेहनत करनी पड़ती है, कौन सा व्रत उपवास करना है इस अहम के लिए, बोला। अब उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो, यदि अपने हस्बैंड को 1 लाख का फायदा हुआ हो और अपने भैया को 10,000 का घाटा हुआ हो, घाटा हुआ हो तो वैसे उल्टा कर दो थोड़ा सा, 10 लाख का घाटा करो भैया को। दृष्टांत अपने घर का है, भैया को 10 लाख का घाटा और हस्बैंड को 1 लाख का फायदा, तो इसको कितना दुख होगा, कितना दुख होगा, 9 लाख का तो होना चाहिए, माइनस कर दो 1 लाख, उसमें क्या है ना, उसका 1 लाख का प्रॉफिट भी इसे भरपूर आनंद देता है, और अपने भैया का 10 लाख का घाटा में टेंशन नहीं होती, निर्विकल्प है, निर्विकल्प क्या कह रहा हूं, निर्विकल्प है, सारा घर दुखी है वजह मस्त है। मम्मी ने पूछा क्या हो गया, तुझे टेंशन नहीं होती, तुझे फील नहीं होता भैया कितना परेशान है, है ही बुद्धू, उनसे पूछ लेते भाई, जब बेच रहे हो खरीद रहे हो तो उनसे नहीं पूछ सकते, उनसे पूछ लेते, वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, ये बल कहाँ का है, अब बोलो बोलो, बल धारण करने के लिए कौन से व्रत उपवास करने पड़ेंगे इस लड़की को, कौन से उपवास करने, कौन सी प्रवचन सुनने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ आज के प्रवचन में जो मूल बात पकड़ना, अहम दिक्कत है कि हम 6 उपशम की चर्चा में अहम ही भूल गए, क्या बोला मैंने, 6 उपशम की चर्चा में अहम ही भूल गए, अहम बल कहाँ धारण करना था, रोज पंडिताई करते, रोज क्रियाकांड करते, रोज व्रत उपवास करते, जो भी करते, जो भी आपकी एक्टिविटीज है रूटीन लाइफ, अहम झट उसमें हो जाता है, हम खोजते भी नहीं कि अहम इसमें है तो नहीं, लोग में आप चतुर हो, मैं दृष्टांत दूंगा तो आपको हाँ ये बात तो करेक्ट है, अभी मैंने लड़की का दृष्टांत दिया, आपको लगता है फटाफट बल धारण करता है, डॉक्टर के पास जाए इलाज कराने के लिए, 1 साल तक इलाज ना हो पाए तो एक बार भी ऐसी खुशी नहीं होती, चलो कम से कम 1 साल तक अपन ने इलाज तो कराया, भले ही पैसा लगा लेकिन इतना बढ़िया डॉक्टर भी तो देखने को मिला, इतनी बढ़िया हॉस्पिटल देखने को मिली, और कैसे बढ़िया बढ़िया साल भर में इंस्ट्रूमेंट एक एक नए नए, मुझे तो पता भी नहीं था, ऐसे नए नए इंस्ट्रूमेंट कोई इधर चेक करते, कोई इधर चेक करते, कोई पेट के अंदर कैमरा डाल के चेक करते, सच में धन्य भाग्य है मेरा, है कोई मूर्ख, है मूर्ख ऐसा, और नए नए इंस्ट्रूमेंट देख देख के खुश हो जाए, क्या ICU देख के खुश हो जाए, वेंटिलेटर देख के खुश हो जाए, एक बात है मरना तो था ही, लेकिन महाभाग्य है मैं करोड़ रुपया में कितनी फैसिलिटी देख के मर रहा हूँ, कहता है कोई कोई बोला, जैसे उसका बल स्वास्थ्य में है, खर्चे पर और फैसिलिटी पर नहीं है, ऐसे की सम्यक दृष्टि का बल क्रियाकांड में नहीं है, उसका बल तो त्रिकाली गायक पर है, अब त्रिकाली गायक को नहीं जानते वो इसमें खुश हो जाते, चलो भैया 25 साल हो गए पूजा का 1 दिन छोड़ा नहीं, 50 साल हो गए तेल नहीं खाया, घी नहीं खाया, नमक नहीं खाया, ये नहीं कर रहे, हम समझ गए तू बल धारण करता है, बल धारण करता है, तू देह की क्रियाओं में बल धारण करता है, गलती कारण बताओ, गलती का कारण बताओ, तुझे अकारण अकारित्व की खबर नहीं है, कारण कार्य की खबर नहीं है, खुद ऐसे हो रहा है, बताओ दृष्टांत दूंगा तो आपको समझ में झट आ जाता है, बताओ एक जोरदार शादी हो रही थी, मैंने हो रही थी कह रहा हूँ समझ गया, हो रही थी, तब तक करोड़ रुपए का बैंड बच चुका, मिठाइयाँ बन चुकी, खाने वाले खा के तारीफ कर चुके, बारे महसूस पा साहब ने खूब तारीफ करी सब कुछ, लेकिन बरमाला नहीं डल पाई, बस लड़की ने इनकार कर दिया, नहीं बरमाला डालने से मना कर दिया, तो लड़का कितना खुश हो गया, कहेगा कोई बात नहीं 99% काम तो जोरदार, लोग कहते हैं ऐसा पांडाल कभी बना ही नहीं, क्या इतनी बढ़िया मिठाइयां कभी बनी नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, कोई कहता है ऐसे ही जिनको श्रद्धा के श्रद्धे की खबर है वे क्रियाओं में बल धारण नहीं करते, क्रियाओं का स्मरण नहीं करते, क्रियाओं के बल पर 6 उपशम के बल पर अपने आप को उच्चता मानते नहीं, पंडित जी पहले से तो बहुत अच्छा है, क्या अच्छा, अच्छा क्या बता, कोई स्त्री ये कहे पहले से तो हम बहुत सुधर गए, बस इतना है कि अभी मैं पति को पति नहीं मानती, बाकी पहले से बहुत काम करने लगी, पहले मैं रोटी अच्छी नहीं बना पाती थी, अब इतनी अच्छी रोटी बनाती हूँ, वो कहता है
वाह मजा आ गया। पहले इतने अच्छे कपड़े नहीं धो पाती थी, अब तो इतना बढ़िया धोती थी। कोई सुधार है, ये सुधार है, तूने सब कुछ सुधारा लेकिन श्रद्धा नहीं सुधारी। ऐसे ही हमने अनादिकाल से सब कुछ सुधारा लेकिन बोलो ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात चल रही, समझ में आ रहा है कुछ? और इस डेमोक्रेसी के लिए फाइट करना पड़ेगा आपको। आंख बंद करके क्रियाओं में चले जाओ और आंख बंद करके छोप समय चले जाओ। श्रद्धा बिचारी नहीं, मूंगी है, मूंगी मूंगी समझते, वो बिचारी बोलती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है, उसे कोई पूछता ही नहीं है। छेपसम की धमाल में वो बेचारी घूंगे आदमी को कोई सुनता ही नहीं है उसको, घूंगा समझ गए। श्रद्धा अबोली है, वो अहम करती है और कुछ नहीं करती। इसलिए मैंने आज अहम की इतनी बात करी, अकारण अकार है भैया। तो सब पर नहीं पढ़े क्या? तो तूने नहीं पढ़ने में अहम धारण कर लिया, ठीक है। तो आज से हम पूजा पाठ मंदिर पर सब बंद, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब हम पक्के में सर्टिफिकेट मिल गया। सुमत प्रकाश जी कहते हैं कोई क्रियाकांड की जरूरत नहीं। सर तो तूने प्रमाद में अहम धारण कर लिया, लापरवाही में अहम धारण कर लिया, स्वच्छंदता में तूने अहम धारण कर लिया। श्रीमद जी ने कहा है वो तीन दोष बताए थे ना, उन तीन दोषों का एक महापापा है, पापा पापा फादर स्वच्छंदता। आत्म सिद्धि में स्वच्छंदता टालने के लिए बहुत लिखा है। स्वच्छंदे न मराय, ऐसा शब्द लिखा, स्वच्छंदे न मराय, अपने अपने मन कल्पित बातों से मोक्ष मार्ग नहीं होगा भैया। आगे समझ में आया भैया? और शांति से विचार करना, ये कितनी सूक्ष्म बात हो जाती है। दो द्रव एक द्रव दूसरे को कुछ नहीं करता, ये बात तो बहुत, हालांकि अब तो अपने लिए स्थूल लगने लगी, लेकिन एक जमाना ये भी था स्वामी जी के पहले कि भगवान मेरा भला करते हैं, भगवान मुझे सम्यक दर्शन देते हैं, जिनवाणी सम्यक ज्ञान देती है, गुरु से चारित्र मिलता है, ये बात आम थी, आम आम। अब हमें कोई स्थूल लगती है, लेकिन अभी तो अंदर की बात चल रही है, अंदर की बात, दो गुणों की स्वतंत्रता, समझ में आ गया? अभी तीसरा पॉइंट है, दो पर्यायों के बीच में भी स्वतंत्रता है। अब दो पर्याय की स्वतंत्रता का मतलब समझ नहीं जाएगा, अभी ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय नहीं ले रही, क्या बोलना है? ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, ऐसे ऐसे तीन पर्याय नहीं लेना है। ज्ञान गुण की दो पर्याय, श्रद्धा गुण की दो पर्याय, पॉइंट पकड़ में आ रहा है थोड़ा सूक्ष्मता से, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धा लेंगे तो ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण में चला गया वो, ज्ञान श्रद्धा में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि छह सब भी पर्याय है और श्रद्धा भी पर्याय है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन भी पर्याय, तो वो पर्याय अपन दोनों को देखेंगे तो ज्ञान गुण में और श्रद्धा गुण में चला गया वो। अभी तो एक गुण की दो पर्याय, आ हा, स्वामी जी की अद्भुत कृपा है सच में। एक एक शक्ति, एक दो लाइनों में क्या समझ में आता आपने को बोला, और स्वामी जी ने कितना खुलासा किया वो, एक गुण की दो पर्यायों में पिछली पर्याय अगली पर्याय का कारण नहीं है वो। ए शास्त्र मेरा कारण नहीं है तो बहुत ही दूर हो गया, बहुत दूर की बात है। ये तो एक समय पहले जो मिथ्यात था ने, अगले समय में सम्यक दर्शन हुआ तो वो मिथ्यात सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। क्या कह रही, समझ आ रहा है? थोड़ी सूक्ष्म बात हो गई, मिथ्यात्व सम्यक का कारण नहीं है। एक समय पहले केरी कच्ची थी ना, अगले समय में पक्की हुई ना, तो कच्चापन पक्केपन का कारण नहीं है। खट्टापन मीठेपन का कारण नहीं है। जिस समय मीठे रूप परिणमित हुई, क्या कमाल है। ए ध्यान से सुनना थोड़ा, ध्यान तो सूक्ष्म, लेकिन बॉम्बे जैसे लोग में तो बचाएंगे और क्या, नहीं और कौन बचाएगा क्या? जो मीठापन की पर्याय हुई, ओ मीठापन खट्टे में से तो नहीं आया, केरी में से नहीं आया, वो जो मीठापन उस नंबर पे आया ना, उस नंबर की पर्याय, वो मीठापन अपने स्वयं की योग्यता से आया, वो अपने स्वयं चतुष्टय से आया, वो अपने सत्कार की स्वतंत्रता से आया, उसका करता पिछली पर्याय नहीं है। जवानी आई और कौन सा किशोरपना गया, वो किशोरपना जवानी का कारण नहीं है, जवानी प्रौढ़ता का कारण नहीं है, और प्रौढ़ता वृद्धावस्था का कारण नहीं है।
एक एक पर्याय, ओहो क्या कहे, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण नहीं है। सच कह, इतनी बात समझ आया, सम्यक दर्शन भी हो गया और भगवान ही बन जाओगे, अब कुछ काम ही बाकी नहीं बचा। क्यों, तुम करना क्या चाहते हो बताओ, फिर से सुनना ध्यान से। द्रव्य में कुछ करना नहीं है, गुणों में कुछ करना नहीं है, दो की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। अभी एक समय की पर्याय, ध्यान से सुनना, और अभी गजब बात है कि एक समय तो छोड़, तुझे 100 समय की पर्याय भी पकड़ में नहीं आती। ध्यान से सुनना, जिस पर्याय में तुम्हें कुछ कारण कार्य का विचार करना चाहते हो, जिसमें तुम कारण जुटाना चाह रहे सम्यक दर्शन का, जिस पर्याय के लिए तुम सर्वस्व समर्पित कर दो, वो पर्याय तेरे ज्ञान का विषय नहीं बनती। तू कौन से विषय में कहां सुधारेगा, बोलो कहां सुधारेगा। एक दृष्टांत दूं मैं आपको, ऐसे एक दृष्टांत दूं। एक डॉक्टर बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, मिसेज ने कहा आज तो संडे, आज क्या बात है, काय की जल्दी कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, मुझे वायु काय के जीवों का ऑपरेशन करना है। समझेगा क्या काम है, समझाया कि नहीं आया, क्यों क्या करना है, वायु काय के जीव का ऑपरेशन कैसे करोगे आप, कैसे करोगे बताओ, कौन सी वायु काय का करोगे बताओ। ये वो सूक्ष्म जीव होते, सूक्ष्म जीव, दो इंद्री, वो मुझे वो उसका ऑपरेशन करना, वो बीमार है। तो सुनगी हंसी आएगी, पहले भैया वो ये कहती दो इंद्री जो बारी बारी जीव होते दिखते ही तो नहीं है, क्या कह रहे, दिखते ही नहीं है, ऑपरेशन तो बाद की बात है। सुनना ध्यान से, द्रव में कुछ नहीं कर सकते, गुण में कुछ नहीं कर सकते, और हम सब में से नहीं सभी जीव एक समय की पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकते, और इस सच्ची समझ का नाम पुरुषार्थ है। कल पूछ रहे थे भैया माहेश्वरी जी, बोल रहे थे आप पुरुषार्थ बताओ, पुरुषार्थ क्या है, हम तो कुछ करें कि प्रमादी हो जाएं, कुछ करें कि नहीं करें, आप तो कह दिया बस छुट्टी हो गई, आप तो चले जाओगे क्या, तो कुछ पुरुषार्थ करें कि नहीं करें। तो भैया इसका नाम पुरुषार्थ है, एक समय की पर्याय में करने का नाम पुरुषार्थ नहीं। क्यों, पहली बात तो तेरे ज्ञान का विषय नहीं, जब ज्ञान में विषय नहीं तो क्या करूँ, क्या करूँ, बोलो बोलो, कर सकते हो तो बोलो। द्रव गुण पर्याय का समझना ही सम्यक ज्ञान ही पुरुषार्थ है, इसके सिवाय कोई पर्याय आगे पीछे करने का नाम। आवाज नहीं आ रही क्या बात, बोलो तो खबर पड़ी, पुरुषार्थ नहीं है भैया, तो फिर कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ, कुछ मत कर जा, तू धमकी देता है कुछ नहीं करे मत कर। एक बार हम उज्जैन में थे 10 लक्षण पर्व में, तो एक भाई बोले तो हम कुछ नहीं करें, मैं बैठ लें बिल्कुल मत कर, हम पूजा करेंगे तुम्हारी, क्योंकि जो कुछ नहीं करते उनकी पूजा होती है। एक बात नहीं कर दो, अरे कर दो बुद्धि छोड़ दें, कर दो अहंकार छोड़ दें, और करूं करूं के रटन छोड़ देते, नहीं कर रहे उस दिन तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, असल क्या इसके दिमाग में बल कहाँ धारण करता है, बल कहाँ धारण करता है, अच्छा तो कल से पूजा पाठ नहीं करूंगा, तो बस नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, अच्छा और फिर छोकर छोकरी, अब वो तो करना ही पड़ता है। अरे कुछ नहीं करने की बात हुई है, क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा भैया बहुत पेट खराब है, पैंक्रियास खराब है आपका, कुछ मत खाना, तो उसे क्या सोच लिया, छना हुआ पानी नहीं पीना, शुद्ध दूध नहीं खाना पीना, अच्छा शुद्ध भोजन खाना पीना नहीं, वो चलेगा बर्गर, वो चलेगा चाइनीज फूड, वो चलेगा, क्यों क्या यही कहा था डॉक्टर ने, जरा अर्थ करना भैया, कौन से तुम कौन से कॉलेज में सीख कर आए, कुछ नहीं खाने का अर्थ करना जरा बेटे, कुछ नहीं खाना, नथिंग टू ईट करना अर्थ बेटे, जी कहां से आया, अच्छा नहीं खाना बुरा खाना, अरे कुछ नहीं करना, तो साहब अभी तो कर रहे हैं कि नहीं, इस वन अभी भी तू करता बुद्धि कर रहा है कर नहीं रहा है, फिर से सुनोगे, मिथ्या दृष्टि ने भी आज तक एक भी पर्याय नहीं करी, सुन लो अच्छी तरह से, मिथ्या दृष्टि ने भी आज तक, द्रव गुण में तो कुछ हेर फेर होता ही नहीं, नॉन चेंजेबल, लेकिन एक भी पर्याय में मिथ्या दृष्टि ने भी अपनी में और पराई में कोई नहीं किया, तो कुछ नहीं करते क्यों, सही बताएं कुछ नहीं करते, केवल कर्ता बुद्धि करते हो बस।
अच्छा बताओ कैसे कर सकते, द्रव तो अनचेंज है ना, जीव हो तुम, जीव से अजीव नहीं हो सकता है इसलिए कुछ नहीं कर सकते, और अनंत गुणों में से एक भी गुण को जड़ नहीं कर सकते। कर सकते हो जड़, एक गुण को जड़ नहीं कर सकते, तो दो गुणों में तो कुछ द्रव और गुणों में तो नहीं कर सकते। अब ऑपरेशन करो भैया, थर्ड कौन सी चीज होगी, पर्याय। एक समय की पर्याय केवल ज्ञान में जानने में आती, तो जानने में नहीं आती। देखो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, उस समय तक सेकंड को ही सबसे छोटा मानते थे लोग, नहीं मानते थे सेकंड सबसे छोटा मानते थे। तो हमने मंदिर में सुन रखा था एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो हमें गप्पे सी लगती थी असंख्यात समय, हमें भी लगती थी, लेकिन ठीक है लिखा है अपनी जिनवाणी में तो मानते ठीक है। लेकिन बाद में जब कंप्यूटर बनकर आए ना कंप्यूटर, तो एक सेकंड में 1000 नैनो सेकंड में क्या निकाला, नैनो नहीं है उसका नाम, जो भी आपका काउंटिंग देखी होगी ना आपने कंप्यूटर पे आ दी है, 1 सेकंड में 1000 भाग कर दिया उन्होंने, और अभी बाद में 1 सेकंड में 1 करोड़ 1 अरब कितना कर दिया, नैनो सेकंड, नैनो सेकंड का पीको सेकंड, नहीं सेकंड नहीं, सेकंड में भी नैनो सेकंड और नैनो सेकंड में भी पीको सेकंड, और अभी एक और नाम सुना है पता नहीं, पीको सेकंड में भी मीको सेकंड, जो भी कुछ होगा नाम। अब हमें समझ में आ गया कि जे तो अभी भी नहीं पकड़ पा रहे, ए तेरे तो पकड़ में 1 सेकंड नहीं आता, अब वहां तो अभी असंख्यात नकी हो गया, कोई कर ही नहीं सकते। जब जब कर्तव्य का अहंकार आए तो ये बात विचार करना, एक समय की पर्याय में कार्य होता है और कहीं तो कार्य होता नहीं, और एक समय तेरे ज्ञान में आता नहीं तो करना क्या। सुनो इसका नाम पुरुषार्थ की समझना, बस अच्छी तरह समझ लेना। कोई ये कहेगा साहब टोटो मस्जिद लिखा है पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, तो वहां तो पुरुषार्थ करने का लिखा है, पढ़ लेना पढ़ लेना पुरुषार्थ की मैं क्या लिखा है मैंने। उन्होंने कहा है तेरा कर्तव्य तो पुरुषार्थ के नाम पर तत्व अभ्यास करना है, एक इंद्री से लगाकर असंग की पंचेंद्री तक तो तत्व विचार नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते, ये लिखा है पूरा पढ़ना आपने भी ये लिखा है। तू कर सकता है इसलिए तेरे से कह रहे हैं, क्या कर सकता है बोलो, क्या कर सकता है, नहीं क्या कर सकता है, क्या कर सकता है बोलो, समझ, तू तत्व को समझ सकता है, क्या तत्व समझेगा, एक त्रिकाली ध्रुव है उसमें अनंत गुण ध्रुव है, और एक समय की पर्याय वो तेरे ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए तू कुछ कर सकता नहीं, इतना समझ बस, इतना इतना समझने का प्रयास करना जिंदगी भर। क्या क्या बोला जरा, क्या बोला, क्या करना है पुरुषार्थ, क्या करना है ये समझने का, सच्ची बात समझने का पुरुषार्थ तेरे हाथ में है क्या, अरे आप बता देना मुझे, आप इसके अलावा क्या कर सकते, द्रगुण पर्याय के अलावा तो बीच में कुछ है नहीं, और जब अपने द्रगुण पर्याय नहीं कर सकते तो दूसरे की तो बात ही नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई, गंदा दृष्टांत दे रहा हूँ, एक गाली देने वाला आदमी कोच बन गया, कोच कोच से ट्रेनिंग देने वाला, काहे का कि गाली देना बुरी बात है। ये तो लेकिन पहले तू तो गाली देता है, मेरी गाली छोड़ो, लेकिन तुम समझ लो गाली देना बहुत बुरी बात है, गाली कभी नहीं देना, मैं गाली देता हूँ वो तुम छोड़ो, क्यों कैसा होगा वो कोच, और ट्रेनर कितना बढ़िया, वो खुद तो गाली देता है, और उनसे कहता है तो गाली नहीं देना बहुत गंदी बात होती, गाली देना मैंने बहुत गंदी बात, अब कितने भी लेक्चर दे दे कितने भी, लेकिन हर बाकी के साथ एक गाली देता है वो, आप बताओ उसका प्रभाव कितना बढ़ेगा, समझ गए दोस्तों। ऐसे तू अपनी पर्याय का करता तो बन के बता, दूसरे की करता तो तू सारे विश्व का कर्ता बनता फिरता, सारे विश्व का कर्ता तूने सिर पे लाद रखा है, पहले तू अपनी एक पर्याय को करके बता। देखो अभी पर्याय तो बहुत कठिन पड़ रही होगी आपको, एक समय की ज्ञान में नहीं आती ना, तो मैं आपको थोड़ा सरल कर देता हूँ, क्यों आप अपने विचारों को बदल सकते हो, हाथ खड़े करो जरा, कौन कौन बदल सकता है, खोटे विचार अच्छी बात है क्या, खोटे विचार अच्छी बात है, बोलो ये खोटा विचार अच्छी बात है क्या, करना चाहिए क्या, कब नहीं करना चाहिए, जोर से बोला ने पक्का, तो फिर नहीं करोगे ना आज के बाद। देखो एक भी पर्याय विचार नहीं बदल सकते, विचार नहीं बदल सकते, बोले ये तो गजब गजब है, जगह जगह लिखा, न्याय में लिखी है बात, न्याय में लिखी है
जिस समय जो भवितव्य होता है उसी के अनुसार बुद्धि हो जाती है, उसी के अनुसार निमित्त मिल जाते हैं और वैसे ही परिणाम हो जाते हैं, विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। जिस समय जैसा काम होना होता हो वैसा होता है। ऐ ज्ञान के अनुसार काम नहीं होता, काम के अनुसार ज्ञान हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ? आप ऐसे काम करो, आप बहुत ज्ञान कर लो किसी विषय का, बहुत कर लो जितना आप कर सकते हो, और अब चूक नहीं होगी। हाथ खड़ा करो, मोबाइल में आप मिस्टेक नहीं करेंगे कभी। जो सबसे इंटेलिजेंट है वो हाथ खड़ा करो, सबसे इंटेलिजेंट आदमी कि मैं मोबाइल के बारे में बहुत जानता हूँ, मैं कभी मिस्टेक नहीं करूँगा, बोलो खड़ा हाथ करो। क्या बेटी लैपटॉप चला लेते नहीं चला लेते? हाँ बहुत सरल काम है नहीं, तो कभी गलती नहीं करोगे, कसम खाओ। बोला बोला, मैंने देखा है गुस्सा करते हुए अटक गई आप, हाई है ना, कहाँ भटक गई, हैंग हो गई, हैंग हो गई। क्या है माथा मारना पड़ती है, और इतना इजी लगता है अभी यही थी फाइल, कहने कहाँ गई, अभी तो थी, अभी अभी थी तो कहाँ चली गई। देख लेना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, एक भी पर्याय कर नहीं सकते। ओ हो जैन धर्म में धर्म करो अर्थात कर नहीं सकते, इतने का नाम धर्म। समझ आता कुछ दिमाग में? जैन धर्म में धर्म करो इजिकल टू कुछ नहीं कर सकते, इतना समझो बस। समझ नहीं आ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, बोलो ये कोई ये समझ आ रहा है उल्टा। अब जैन धर्म में धर्म करो इजिकल टू ये समझो कि आई एम अनेबल टू चेंज एनी थिंग, कठिन तो नहीं है? आई एम अनेबल टू चेंज एनी फॉर्म एनी मॉडिफिकेशन, कुछ नहीं कर सकते। अब अभी से आनंद हो जाएगा, जब जब तुम्हें तकलीफ हो जाए द्रगुण पर्याय देखना, द्रव्य अनचेंजेबल, गुण अनचेंजेबल। अभी जरा सुनो, इधर देखो, इधर पर्याय चेंजेबल बट नॉट अकॉर्डिंग टू माई, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। इट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉन चेंजेबल। खत्म हो गया, अब हम क्या करें बताओ, समझ आया कि नहीं आया? द्रव्य अनचेंजेबल नहीं बदलने वाला, गुण नहीं बदलने वाला, और पर्याय भी हमारे लिए तो नहीं बदलने वाली, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय, यू कांट डिस्टर्ब चेंज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। एक भी पर्याय को आप आगे पीछे नहीं कर सकते, तो हम तो फिर पराधीन हो गए। पराधीन नहीं हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब तेरे मगज में कोई काम नहीं बचा, स्वतंत्र हो गए। पुराने जमाने में लड़की की शादी करना हो तो बहुत हेडेक होता था, पुराने जमाने में, आजकल नहीं होता। पुराने जमाने में हेडेक कैसा, सारा काम करना पड़ता था, भैया दाल चावल लाओ, पापड़ बनाओ, घी इकट्ठा करो, शक्कर इकट्ठा करो, बर्तन इकट्ठा करो, रिश्तेदारों को इकट्ठा करो, बहुत मेहनत करनी पड़ती। और आजकल के जमाना कैटरर का है, कॉन्ट्रैक्ट दे दो, कुछ नहीं करना है, एक करोड़ रुपये कॉन्ट्रैक्ट, बाजे भी वही लाएगा, पंडित भी वही लाएगा, और ईच एंड एवरी थिंग ऑल फैसिलिटीज वो सब लाएगा। और आप उसको एक लिस्ट पकड़ा देना, इन्विटेशन कार्ड भी वही भेज देगा, छपा भी वही देगा, वो सब काम वही करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, बाकी काम बचेगा, लड़का लड़की वो भी आ जाएंगे भाई, और वो एक दूसरे को यस भी कर लेंगे, तू तो केवल ज्ञाता दृष्टा रहना। लड़की की शादी करना आजकल कितना सरल हो गया, हमने कुछ करना ही नहीं, यदि पक्की हो जाए तो उनको बोल दो हो गई पक्की, अब आप करो बाकी सारा काम, एक दृष्टांत दे। तो अब मुझे बताना, इतना ऑटो मौसम हुए तो अब तुम्हें क्या टेंशन, पेंट बाजा नहीं मिला तो, अरे मिलेगा ना, उसका ठेका है। पहले अपन बिल्डिंग बनाते थे तो बहुत टेंशन लगती थी, अब तो अपन ने बुक करा दिया फ्लैट, एक फ्लैट बुक करा दिया, लोहा कहाँ से लाएगा वो जाने हमें नहीं पता, सीमेंट कहाँ से आएगी, रेट कम बढ़ हो गया, अरे वो जाने हमें कुछ पता, हमें तो भैया अपने समय पर रेडी पैक चाहिए। क्या नहीं बताया ऐसा, बोला कौन सा सिस्टम बढ़िया है, अपन बनाए या बना बनाया मिले, बोला सोचने शांति से। ए भैया तू द्रगुण पर्याय का स्वरूप तो समझ, उसमें तुझे कुछ करने की स्वतंत्रता हुई कि पराधीनता हुई,
वो सारी सीमेंट लाओ, पाउडर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो ठगा गए हो, इसमें ज्यादा पैसे ले लिए और सीमेंट खा जाएगा वो, कारीगर नहीं देखेंगे तो, और वो ऐसा कर देगा और वैसा कर देगा और ये ऐसा हो जाएगा। कितनी आफत, अब तो हम कितने फ्री हो गए, ये कितने का, 1 करोड़ का, अच्छा ठीक, ये लो 10 लाख एडवांस, कब मिल जाएगा, 1 साल बाद, बस निश्चित हो गए समय, दस बस खत्म, अब कुछ नहीं करना, अपना क्या करना है मकान बनाने के लिए, अपने क्या करना है, अब तो उसे करना है जो करना है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे करने की कहीं कोई गुंजाइश। अब देखो कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा तो ये तो स्वच्छंद हो जाएंगे, ऐसे तो ये स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो गया स्वच्छंद, इसका नाम है कि तू निमित्तों से काम करना चाह रहा है, पर्व के आधार से काम करना चाह रहा है, एक गुण का काम दूसरे गुण से कराना चाहता है, तू क्रिया कांड से कराना चाहता है, स्वच्छंदता तो इसका नाम है। स्वच्छंद क्या होता है, स्वच्छंद माने मन वांछित कल्पनाओं से, छंद माने इच्छा, अपनी मन कल्पित इच्छाओं के अनुसार सोचना, ये स्वच्छंद है। सर्वक भगवान ने तो ये कहा है, देखो फिर से सुन लो जरा, जिसे नहीं समझ में पूछ के जाना, द्रव्य गुण पर्याय, ये सर्वक भगवान प्रणीत है कि नहीं, ये बात है, बस हो गए काम, अब कुछ बचे नहीं काम, क्योंकि सर्वक को चैलेंज नहीं कर सकते कोई, द्रव गुण पर्याय के, इन द्रव और गुण अनचेंजेबल है, शाश्वत है, और एक समय की पर्याय क्रमबद्ध है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, ये समझने का नाम पुरुषार्थ। क्यों, अब इसे काय का पुरुषार्थ भैया, इसमें काय का पुरुषार्थ, अच्छा समझ में आ गई हमें तो, कि नहीं अभी तो सुना है, अभी वो बल है ना, बल उसे समझाना पड़ेगा अंदर, अभी वो कहेगा ऐसे कैसे मैं तो कर सकता हूँ, अभी लगता है रोटी में नहीं बनाती क्या, कल पंडित जी चौके में आएंगे, हम कहेंगे क्रमबद्ध रोटी खाना, जी बल है, बल करता तो बल, जब जाने पंडित जी को कोई पैसा नहीं दे और टिकट नहीं कटा है तो कैसे जाएंगे, मालूम पड़ जाएगी, ये तेरे पैसे का बल बोल रहा है, देख अभी भी ऐसा लगता है दुनिया में सारे काम पैसा से होंगे, पैसा से होंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा तो व्रत उपवास नहीं करें, ये प्रश्न ही उसको आता है जो व्रत उपवास में बल धारण कर रहा है, ऐसे भले आदमी तू नकी कर ला इधर ला, ए द्रव ए गुण ए पर्याय, ये तेरी जीव की सत्ता है, अब व्रत उपवास कैसे कहते हो बोलो, व्रत उपवास, अभी परद्रव की बात हुई, ये शरीर की बात हुई, परद्रव की व्रत उपवास, पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम ये तो तीन में आता ही नहीं है, तीन में आते ही नहीं, वो तो शरीर देह की क्रिया की बात भिन्न हो गई, थोड़ा पकड़ना, गड़बड़ नहीं करना, उल्टा सीधा समझो जरा थोड़ा सा, तो व्रत उपवास नियम संयम नहीं होते क्या, होता है बता दूं, होता है, जो द्रव्य स्वभाव में आसक्त हो जाता है वो गियाकारों से विरक्त हो जाता है, गियों से विरक्त हो जाता है, परद्रव गुण पर्यायों से विरक्त हो जाता है, कर्तत्व से विरक्त हो जाता है, कर्तत्व एक समय की पर्याय से, एक समय की पर्याय के कर्तत्व से विरक्त हो जाता है, इसका नाम व्रत, और ज्ञायिक स्वभाव में मग्न रहता है इसका नाम उपवास, और इसी का नाम सील, इसी का नाम जप, इसी का नाम तप, पढ़ लेना नियम सार जी में, इसी का नाम संवर, इसी का नाम निर्जरा, इसी का नाम ज्ञान, इसी का नाम ध्यान, इसी का नाम मोक्ष, पढ़ लेना आप नियम सार जी में, पढ़ लेना था, इसी का नाम पटिकमण, इसी का नाम पच्चखंड, इसी का नाम आलोयन, पढ़ लेना, कहो तो मैं खोल खोल के दिखाऊंगा, तो पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया, एक अकारण अकार्य के करके, बहुत मालूम है, बहुत मालूम है, कठिन तो नहीं लगा भैया, क्रमबद्ध पर्याय समझ में आए कुछ, एक समय की पर्याय में कोई आगे पीछे कर सकता नहीं है, सहजानंद जी ने बोला है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या, काम दूर हटो परकृत परिणाम, ये विरक्त हो गया, विरक्त हो गया, हमें भ्रांति नहीं होती, ये विरक्तता, विरक्त मैंने अपनी ये विरक्तता समझ ली, हम कपड़ा ऐसे पहनते ही खाते भैया, ज्यादा नहीं कमाते, थोड़ा पैसा रख लिया भैया, हम तो विरक्त हैं, ये तो तू परद्रव में बल धारण कर रहा है, स्वामी जी की भाषा में बोलो, परद्रव को छोड़ना और ग्रहण करने की तो बात ही नहीं है, ये शक्ति है त्याग उपादान शून्य तो शक्ति, उसको तो तू ग्रहण करता ही नहीं, छोड़ता भी, छूटा हुआ अनुभव कर, छूटा ही है तू, छूटा ही है, छूटा है अभी भी तुम देह से तो
छूटेगा, छोड़ना नहीं है। जैसे पता आदि को छोड़ना है, छोड़ना है वो तो छूटे ही है। अरे तू तेरी बुद्धि हुई, अपने क्या बात करी थी, करता तो नहीं, करता बुद्धि है, ऐसे स्वामी नहीं है। कोई नहीं चलती तेरी, तेरी तेरे शरीर में तो चलती नहीं, पत्नी में क्या चलेगी। और सारी दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग यही सीखने लाएंगे, बस सब अपनी पत्नी में चलाना चाह रहे, पत्नी पति में चलाना चाह रहे, इसीलिए दुखी है। भाई तेरी तेरे में नहीं चलती, आगे समझ में आया। बस सुखी होने का मार्ग मिल गया भैया, कोई भी अपनी मत चलाओ, अपने ज्ञायक भगवान को देखो, सब काम हो जाने वाला है, ऑटोमेटिक होने वाला है। बराबर समय हो गया। देखो एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आप लोगों के लिए, वो जो गुरुदेव श्री का जो प्रताप यदि आज जीवन दिखाई देता है और सदियों तक जीवन दिखाई देगा, उसमें डॉक्टर हुकुमचंद जी भारे साहब का अद्भुत योगदान है, जयपुर स्मारक का अद्भुत योगदान। आज आप सबको याद होगा पंचकल्याणक आ रहा है अभी, उसकी सूचना देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, और वो इस भाव से कि इस पंचकल्याणक के बाद एक बहुत बढ़िया प्रतिफल आने वाला है, मैं उस प्रतिफल से खुश हूँ। पंचकल्याणक तो बहुत हो रहे हैं, उसमें अब नवीनता नहीं बची हर जगह, लेकिन इस पंचकल्याणक मुझे ये खुशी ये है कि स्मारक स्वावलंबी होकर के जितने भी छात्र मिलेंगे हिंदुस्तान में, जितने भी छात्र योग्य, उनमें से किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पहले एक सीट होती थी 25 सीट, 40 सीट, 30 सीट, उसमें भी एक पराधीनता थी कि 10 सीट वो सेठ लेंगे, को 5 वो लेंगे, 2 लेंगे, तब जाकर के वो सीट भर पाती थी। लेकिन इसके बाद ये भावना भाई जा रही है कि एक स्टोरी और बनेगी बच्चों के लिए, और फिर जितने बच्चे पढ़ने आएंगे शास्त्री पढ़ने का, शास्त्री पढ़ने का मतलब गुरुदेव श्री के मिशन को गांव गांव, अभी आए थे बता रहे थे 25-30 गांव में गए होंगे महाराष्ट्र में, कभी वहां तत्व की चर्चा नहीं हुई, और ऐसे जाते से भीड़ जुट जाए, भीड़ जुट जाए, अरे क्या बात है, ऐसी बात तो कभी हमने सुनी नहीं। मैंने गांव गांव में अभी भी जरूरत है। मैं तो उस दिन का स्वप्न देख रहा हूँ जब हमारे पास 25-50 हजार शास्त्री होंगे और हिंदुस्तान के एक एक गाँव में प्रवचन की सभाएं चल रही हैं, एक एक गांव गांव में हमारा एक विद्यार्थी टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, कोई ना कुछ होगा, और वो हमारे प्रवचन चला रहा होगा। वो दिन बहुत सुंदर होगा, उस दिन गुरुदेव श्री गांव गांव और गली गली और घर घर में पहुंचेंगे। उस मिशन की भावना से मैं बुलाना चाह रहा हूँ भैया को, आओ पधारो भैया, इन्हें निमंत्रण दे रहे हैं, आप सब जरूर पधारे इसमें। Yes, so,
अकार्य अकारण सुनाम की शक्ति 14 नंबर की है, ये चल रही है। विश्व में कारण कार्य नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसका नाम अकार्य अकारण शक्ति। जब कार्य का विकल्प करते हैं तो कारण का विकल्प आता है, कार्य का विकल्प नहीं किया जाए तो कारण का विकल्प भी नहीं आता। जब हमें कार्य करना हो तो प्रश्न आता है किस कारण से काम हुआ, काम बिगड़ गया तो पूछते किस कारण से बिगड़ गया, आपका इतना आनंद हो रहा है आपको तो किस कारण हो गया, ये प्रश्न कब खड़े हो गए जब कार्य खड़ा हुआ। इसलिए शक्ति का नाम क्या, अकार्य अकारण, अकारण अकार्य नहीं, प्रश्न है शक्ति का नाम अकार्य कारण क्यों कहा, कार्य ही नहीं है इसलिए कारण नहीं, कारण नहीं है इसलिए कार्य नहीं, ऐसा नहीं, अकार्य कारण कार्य नहीं है इसलिए कोई कारण नहीं है। इसका मतलब तुम जगत में कार्य देखना बंद करो, जब जब कार्य देखोगे तो कारण पर गुस्सा आएगा या कारण पर राग आएगा। फिर से कहता हूँ, जब जब आपको कार्य दिखाई देगा तब तब कारण पर राग आएगा या कारण पर द्वेष आएगा। जब आपको लगता है ना किसी ने मेरा बुरा कर दिया, मेरा आज इतना लॉस हुआ है ना, ये आदमी जिम्मेदार है, सुनाओ तुम भले गाली मत देना उसे, आँख भी मत दिखाना, हो सकता है तुम्हें से उसे भोजन भी कराना, सारी जिंदगी उससे प्रेम करना, लेकिन आचार्य देव कहते तू अनंत क्रोध कर रहा है। क्रोध का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को देखकर हमने भैया हमने तो सह लिया, एक बहुत गंदी भाषा है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस शब्द से है, हम तो सह रहे हैं, हमने सह लिया, अब हम कुछ कर तो सकते नहीं, कह तो सकते नहीं, घर घर में तकलीफ है, सहो नहीं जीतो, सहो नहीं जीतो, मन मार के नहीं, क्या मतलब है, ये क्या होता है मन मार के नहीं, सारे जगत में मन मार के मतलब भेद विज्ञान के बिना, मन मार के नहीं माने भेद विज्ञान के बिना नहीं, मन मार के माने कुछ पता नहीं लेकिन मजबूरी में सह रहे हैं, सहना नहीं चाहते फिर भी सह रहे हैं, ये मन मार के, मन तो ऐसा कर रहा है एक थप्पड़ दे उठा गया लेकिन मन मार के पंडित जी क्या कहेंगे इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ अभी, समझ गए, मैंने अंदर में क्रोध पूरा है लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे क्योंकि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इसलिए मन मार के माने विदाउट भेद विज्ञान के, बिना कोई वस्तु स्वरूप को जाने, द्रगुण पर्याय का ज्ञान नहीं है ऐसा। अब मन मार के आत्मा में रम के भी मन मारा जाता है, मन मार के मोक्ष होता है, मन को जीत करके मुनि दशा आती है, समझ गए, तो मन मार के और मन मार के का अंतर समझ आए भैया, मन मार के मोक्ष होता है अर्थात स्वच्छंदता को मार करके मोक्ष होता है। तुम सोचो कि मेरा मन तो करता है कि पर मैं सुख मानू और आत्मा का अनुभव हो जाए, तीन काल में संभव नहीं, सबसे पहले मन मारो, अब मन मारो का अर्थ अलग है, वो बर्दाश्त करना घुटना टेंशन वो वाला मन मार के नहीं, वो तो बहुत गंदी चीज है, ऐसा जीव तो अग्निकांड में जाता है जो मन ही मन छुड़ता है, कह नहीं पाता, बर्दाश्त करता है, कारण खोज नहीं पाता, वो अग्निकांड में चला जाता है, कभी नहीं छुड़ना भैया, अंदर अंदर घुटना नहीं बिल्कुल, दो थप्पड़ पड़ जाए पिताजी की वो बढ़िया, पत्नी चार बातें सुना दे वो बढ़िया, ट्रांसपेरेंसी रखना बच्चा थोड़ी देर के लिए रफ ट्रीट करेगा लेकिन वो बाद में जानेगा कि भैया पापा ने मेरी गलत इच्छाओं की पूर्ति नहीं की। यदि आपको लगता है गलत माने गलत, ऐसा कह के मैंने बहुत कुछ कह दिया, कार्य देखने की आदत होगी तो कारण खोजने की कोशिश करोगे, इसमें स्वच्छता आती है, राग द्वेष भी स्वच्छता ही है, हो
ऐसे कहूँ तो थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सही कर देता हूँ। राग द्वेष स्वच्छता का फल है। स्वच्छता नहीं कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने? स्वच्छता का फल है। क्या स्वच्छता राग द्वेष है? राग द्वेष स्वच्छता का फल है, मैं इसका ऐसा कह रहा हूँ। तो स्वच्छता क्या है कि मन मन कल्पित तत्व निर्णय परमेश्वर बुद्धि, ये स्वच्छता है। अब स्वच्छता से राग हो गई, पक्की बात है, अब तो उसका फल है वो। जब परमेश्वर मानोगे तो राग तो हो गई, पर में दुख मानोगे तो द्वेष तो हो गई, ये स्वच्छता का फल हो गया। स्वच्छता को भी समझो भैया, तुम कार्य देखना बंद कर दो, कार्य देखना बंद करो, मेरे को सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। फौरन कारण की बेचैनी होगी, कारण मिलाओ, कारण मिलाओ, कारण मिलाओ। यहाँ तो ये कहना है सम्यक दर्शन का कारण है ही नहीं। बहुत स्थूल व्यवहार से कहा था कि सम्यक दर्शन का कारण यह है ध्रुव तत्व का निर्णय करना। कारण पूरे जिनागम में सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष जाने तक का कारण क्या है? ध्रुव का निर्णय, बस ध्रुव का निर्णय, ध्रुव का निर्णय। जरा ध्यान से सुनना, कल समझाया था द्रव्य ध्रुव, गुण ध्रुव, पर्यायपण ध्रुव। पलटा नहीं पकड़ना, लेकिन एक समय की पर्याय को ध्रुव कह रहे हैं हम, माने वो अपने समय में होती इसलिए ध्रुव, अपने समय से आगे पीछे नहीं होती इसलिए वो ध्रुव सत्य है। याद है आपको कल कहा था पर्याय बदलती है लेकिन मैं पर्याय बदल नहीं सकता इसलिए मेरे लिए ध्रुव। उल्टा नहीं पकड़ना, मुझे बहुत डर लगता है, नहीं तो लोग कहेंगे सुमत प्रकाशित तो पर्याय को भी ध्रुव कहते हैं। अरे वो ध्रुव अटल है, अटल अटल ध्रुव। एक पुस्तक ग्रंथ है मोटा सा, अटल विश्व विश्व अटल विश्व मर्यादा है ने? अटल विश्व मर्यादा, ये है वो अटल अटल अटल, समझते हैं? अटल अटल बिहारी वाजपेयी नहीं अटल माना जो टले नहीं, द्रव्य टलता नहीं, ये अटल है। गुण टलता नहीं, ये अटल है। पर एक समय की पर्याय भी अपने समय से टलती नहीं इसलिए अटल है, इसका नाम अटल विश्व मर्यादा। और जब द्रवगुण पर्याय है तो फिर पूरा विश्व में द्रवगुण पर्याय सिवा है ही क्या, इसलिए पूरा विश्व अटल है। अब तेरी श्रद्धा अटल हो जाएगी ऐसा जाने तो इसका नाम सम्यक दर्शन। फिर सुनना भैया, सम्यक दर्शन के नाम पर अभी भी इमेजनरी भूत चढ़ाया हुआ है। मैं तो सही कहता हूँ, मुझे कुछ सिद्ध करके बताओ स्वामी जी ने कोई कही हो बात, अकेले में बैठो और ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कल्पना ही मत कर, तत्व निर्णय कर। ना मेडिटेशन की जरूरत है और ना बहुत बाहर की निवृत्ति की वैसी जरूरत है, निवृत्ति में वैसी अनाचार की छोड़ दो, बस अनाचार की बात नहीं कर रहे। हाँ हाँ, 96,000 रानियों के बीच में भी जिसने अटल विश्व मर्यादा देखी है उसे काम हो गया, बहुत बढ़िया। ये इतना सरल काम है। शक्कर की श्रद्धा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? गोल्ड गोल्ड सोना, उसकी श्रद्धा करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? बोला तो मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव गुण पर्याय है, गुण मुझे डर लग रहा है पर्याय ध्रुव क्यों कह रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ? एक समय का ध्रुव, स्वामी जी ऐसे कहते थे एक समय का ध्रुव अपने समय से आगे पीछे खसती नहीं, खसती नहीं, खसका सकते नहीं। तो साहब फिर हमारा ऐसे ही पढ़ना, उन्होंने क्या मानोगे, तू खुश रहना सीख, बस बाप को तो मैं भी खुश रहना सीख। हालांकि बुरा लगेगा लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके भले के लिए कह रहा हूँ, बाप भाव हो तो भी खुश रहना सीख। थोड़ा खुलासा करी दूँ नहीं गड़बड़ हो जाएगी, मुझे मालूम है जो स्वच्छंद होंगे ना, स्वच्छंद माने कर्ता बुद्धि वाली, स्वच्छंद माने भोक्ता बुद्धि वाली, पर मैं कर्ता भोक्ता बुद्धि वालों को स्वच्छंद कह रहा हूँ, फौरन इसका तोड़ मरोड़ के अर्थ करेंगे मुझे मालूम है। अब की सही में ऐसा समय है कि हालांकि मेरा तो पुण्य का उदय है कि मैं कोई बात कहता हूँ तो उसका कोई मिसयूज अभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी डर लगता है क्या, जीव को तोड़ने मरोड़ने में मजा आता है। सुना
पंडित जी आप क्या बोल रहे हो? फिर से बोले जरा कि पाप भाव हो तो भी मस्त रहो, ये तो नहीं बोलना चाहिए आपको। नहीं बोलना चाहिए ना भाई पुण्य भाव में तो मस्त रहो, ये तो आप कह रहे कोई बात नहीं, पाप भाव में तो मस्त रहने का नहीं बोलना चाहिए ना। आप सुनोगे, जैन वाणी में पापों की भी स्वीकृति है, पाप भाव की भी मंजूरी है। पंचम गुण स्थान तक यथा योग पाप भाव होता है, छठे गुण स्थान की मैं इज्जत करता हूँ, अभी कुछ नहीं कहता क्योंकि वहां इतना सूक्ष्म है कि उसे कहना नहीं चाहिए, इसलिए प्रतिष्ठा रखते हैं उसकी। लेकिन पंचम गुण स्थान तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि मैं सूटेड फूटेड आदमी को कहूं कि छठी प्रतिमाधारी है, मानोगे आप? बिल्कुल नहीं मानोगे। क्यों? छठी प्रतिमाधारी शादी कर सकता है? नहीं मालूम आपको? हाँ, छठी प्रतिमाधारी गुणस्थान नहीं, गुणस्थान छठा गुणस्थान नहीं, छठी प्रतिमाधारी शादी करेगा तो शादी कैसे करेगा? कैसे करेगा शादी? तो ऐसे ही करेगा ना, जो जैसे तुम्हारे होती भी थी वो तो शादी तो ऐसे ही करेगा। अब कौन मानेगी छठी प्रतिमाधारी है? अब शादी करेगा तो शादी करना पाप भाव है, बच्चों का जन्म करना पालना पोसना ये पाप भाव है, बिजनेस करना पाप भाव है, पाप भाव है, मकान बनवाना पाप भाव है। लेकिन छठी प्रतिमा तक मंजूर है, ऐसा नहीं रो रो के पाप करेगा, रो रो के शादी करेगा, रो रो के बच्चे पैदा करेगा, रो रो करके बच्चे पालेगा। उल्टा नहीं पकड़ना मेरी किताब के अलावा, मुझे मालूम है सब तूफान मचाएंगे हिंदुस्तान में। अच्छा, तो छठी प्रतिमा वाले सूटेड बूटेड होंगे, लोग तो अभी मुझे पहली प्रतिमा वाला नहीं मानेंगे क्या? क्योंकि उन्होंने तो प्रतिमा का स्वरूप पालन नहीं है ना, प्रतिमा का स्वरूप नहीं मालूम। हमें झट ऐसा लगता है प्रतिमाधारी मने बिल्कुल सूखा साखा आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी है भैया। पढ़ना मैं इससे आगे कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो स्वच्छता ग्रहण करेगा आदमी। स्वच्छता मैंने वो तो है ही, जो मैं असली कह रहा हूँ मिथ्यात्व कर्ता भोक्ता बुद्धि वो तो है ही, लेकिन तोड़ मरोड़ बस मुझे तोड़ मरोड़ से बुरा लगता है। अरे देखा जब बात भैया समझना अच्छी तरह समझना इस बात को थोड़ा बहुत, मुझे मालूम है पचे नहीं ऐसी बात, ये पचती नहीं है बात। कपड़ा क्यों सूटेड बूटेड को छठी प्रतिमा मानोगे आप? अपन छठी प्रतिमा माने जो धोई दुपट्टा वाला हो, सिर मुंडाया हुआ हो और उसको ही मानेंगे। अरे पहली दूसरी प्रतिमा भी उसी को ही मानेंगे। पहली दूसरी प्रतिमा उधारी माने उनको सिंपल घर में रहने वाला, आठवीं प्रतिमा तक घर जैसा रहता है, छठी प्रतिमा तक स्त्री का भोग दिन में कर लेता है, ऐसा लिखा है। विवाह मैथुन का त्याग छठी प्रतिमा में होता है, पांचवी में पांचवी तक कर लेता है, छठी में दिन का त्याग होता है। साथ में सातवीं प्रतिमा में तो स्त्री अपनी हो के पराई हो उसके स्पर्श का त्याग है। आठवीं प्रतिमा तक घर में रहता है, व्यापार करता है, रोटी बना के खाता है। आठवीं प्रतिमा तक फिर अनुमति त्याग आदि होता है, आरंभ त्याग होता है, तब जाके उपज गठ होता है। लेकिन आप इतना ब्रॉड सोच नहीं पा रहे मेरा, इसलिए मैंने कहा खुलासा किया, इस बात का खुलासा किया भैया। उल्टा नहीं पकड़ना, जो जिनवाणी में लिखा वैसे ही मानना और जैसा लोक में कहते हो वैसे सुनना। आप मैंने प्लीट नहीं करना, समझना सब क्यों कि लोक विरोधम ना कर्तव्य, लेकिन समझना सब। आया समझ आया? मैंने जब किसी बात की थी पाप भाव होने पर भी प्रसन्न रहना। पाप भाव माने व्यापार धंधा, इसकी पुत्रादिक, मकान बनवाना, ये सब पाप भाव है। लेकिन पाप भाव होने पर भी ज्ञानी को श्रद्धा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शक्कर की श्रद्धा करने के लिए क्यों क्या करना पड़ेगा? मकान बनवाते समय शक्कर की श्रद्धा के लिए क्या करना पड़ेगा? और पूजन करते समय शक्कर की श्रद्धा के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं तो ध्रुव हूँ, ज्ञायक हूँ, अकारण हूँ, अकारक हूँ, अकार्य हूँ, वो ऐसा अनुभव करना बस, इतना सरल काम हो गया। आया ढंग आया? रात में आठ घंटे सोने के सो जाते हैं, रात में आठ घंटे सो जाते हैं,
तो रात में 8 घंटा सो जाने पर भी सुबह उठकर ऐसा नहीं लगता कि अपनी श्रद्धा बदलने के लिए कुछ करना है। क्या करना पड़ती है? क्यों अब हम कहीं पुरुष हैं ऐसा भूल गए तो अरे श्रद्धा है ही उसका नाम जो नहीं बदली, ऐसा ध्रुव अनुभव करते हैं। आगे समझ में आया भैया? आगे चलेंगे अपन। अकार्य अकार्य देखने की आदत डालो तो कारण नहीं खोजना पड़ेगा, कार्य देखोगे तो कारण खोजने में व्यग्र होगे। देखो व्यापार में घाटा हो जाए, एक कार्य हुआ ना, अब असली कारण तो खोजते नहीं जी, तो नकली कारण तो बहुत मिल जाते मार्केट में। समझ गए? जगह जगह तुम्हारा शनि का चक्कर है, तुम्हारा वास्तु का दोष है, तुम्हारा फला का दोष है, तुम कुत्ते को रोटी डाला करो, नहीं फला को रोटी डाला करो, इसका ऐसा करा करो, उसका ऐसा करा करो, और इतने काम बता देते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं अमन में सोते हैं, झट लगता है। बिल्कुल सच्ची बात है, कुत्ता नाराज है। ये तो कुत्ते की नाराजगी से तेरे पैसे का क्या संबंध है? नहीं क्या मतलब, कौवे को रोटी डालो, अरे वो डालो वो बराबर है, करुणा दान में सबको रोटी खिला, वो करुणा दान तो हो सकता है, लेकिन हमने उसे रोटी नहीं डाली इसलिए लॉस हो गया, ये झूठी बात है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ लॉस को तुमने कार्य देखा, अब कारण खोजने में व्यग्र हो गए। अब जितने लोग मिलते हैं देख लेना, जैसे अपने सर्दी हो जाए ना, यदि दिन भर में 100 आदमी मिलेंगे तो 100 ही बेहद के होंगे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वकील है और सबसे ज्यादा बैद डॉक्टर है, सबसे ज्यादा इतनी दवाइयां बताएंगे और जिसकी दवाई नहीं खाओ वो ही नाराज। ये तो दृष्टांत है भैया, कार्य मत खोज, ठीक है ना, कार्य जो हो रहा है वो अटल है, अटल में कारण कार्य का विकल्प मत कर, ऐसा ही होना था इस काल में, ऐसा ही होना था, मत ढूंढ। सीता के सुख का कारण सीता को गेट आउट कर दिया, गेट आउट समझ गए हमें, सील का दोष लगाकर निकाल दिया गया। अब वो सीता क्या करे, वो उस कार्य को कार्य नहीं देख रहे इसलिए कारण नहीं देख रहे। अब जो हुआ हुआ, अब हम धोबी को दोष दें कि रामचंद्र जी को दोष दें कि पब्लिक को दोष दें, किसको दोष दें, कि कर्मों को दोष दें। ये जो गाथाएं लिखने जाती है ना प्रथमान युग में, कि सीता शांत रहे, एकदम शांत रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना प्रथमान युग में विचार करने की शैली, ध्यान रखना, विचार करने की शैली बताने के लिए वो कथाएं लिखी जाती है, ताकि आम पब्लिक को जब पाप का उदय आए तो विचार करे, किसी को दोष नहीं दे, हो कर्म का उदय का विचार करे। इसलिए वह लिखा है कर्म, लेकिन पता है सम्यक दृष्टि कर्म का उदय का विचार नहीं करते, विचार नहीं करते, ध्यान रखना, भाषा पकड़ना नहीं गड़बड़ करते हो आप, भाषा पकड़ना नहीं तो गड़बड़ करोगे मुझे मानो, विचार करते नहीं, विचार आते हो तो आए, विचार आते हो कर्माधिक के तो आए, करते नहीं, करते तो वेद विज्ञान पूर्वक भ्रूक आलम्बन है, भरा पड़ रहा समझ में आया कुछ, करते तो बुद्धि पूर्वक ध्रुव स्वभाव का आलम्बन है, और विचार आते हैं तो विचारों की मर्यादा कर्मोदय तक है, उनको दोष नहीं देते रामचंद्र जी को, सारी जिंदगी राम को कोसती रहती हो, और क्यों, कभी आप पढ़ना पूरा प्रथमानि पद्म पुराण, कि सीता ने एक जगह भी आखिर में लिखा हो अपने बच्चों से कहा हो बेटा मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब 16 साल की थी शादी होकर आई थी तो केकई का दिमाग खराब हो गया था और मंथना ने भड़का दिया था, नमक मिर्ची लगा दी थी, कान भर दिए थे, तो तब मैं बरसों परेशान हुई, बरसों, आपको पता है 14 वर्ष का नहीं है प्रथमान युग पढ़ना, 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ था, 55 साल का रिकॉर्ड तो मेरे ने लिख के रखा हुआ है, पद्म पुराण में आया है कितने समय कहाँ कहाँ रुके, उस हिसाब से बहुत बड़ा समय 14 वर्ष का नहीं है, तो पहले मेरी जिंदगी वहां बर्बाद हुई, और जब मैं घर आई प्रेग्नेंट हुई, मैंने कितने समय रह पाई हूँ घर रामचंद्र जी के साथ, रावड़ से छूटने का कितने दिन रह पाई, प्रेग्नेंट हुई और 14-15 महीने ही हो पाया होगा जो उसे गेट आउट कर दिया,
माने साल भर भी संग नहीं रह पाए ढंग से, और फिर निकाल दिया गया। और फिर निकाल दिया गया तो कब आई लौट के पता है आपको? कितना लंबा समय लग गया उसके बाद कि लव उसकी शादियां हो गई। और शादियां हो गई का मतलब समझते हैं, वन फोर्थ लाइफ कुमार काल मानी जाती है। जैसे हम अभी 100 साल का एवरेज मानते हैं तो लगभग 25 साल कुमार काल मानते हैं अपन लोग आपस में, ऐसा मानते नहीं? नेमिनाथ भगवान की 300 वर्ष की आयु थी तो 100 वर्ष कुमार काल था उनका। तो 1/4 to 1/3 लगभग कुमार काल होता है। और रामचंद्र जी की आयु 17,000 वर्ष की थी तो जो 16 वर्ष का काम होता मैंने कह दिया, लेकिन बड़ी आयु थी सीता की। लेकिन कल्पना तो करो ना, अब वो शादी हुई होगी तो कम से 1,500 वर्ष बाद लौटी होगी, क्योंकि लव उसकी आयु भी एवरेज इतनी इतनी होगी ना, 10,000 वर्ष, 12,000 वर्ष, 15,000 वर्ष, 20,000 वर्ष। वो तो उस समय आयु बड़ी होती थी, जब 17,000 की तो रामचंद्र जी की इनकी भी होगी। आप कल्पना करो, जन्म होने के बाद शादियां हो गई तब छोटे थे। लेकिन पूरे पुराण में सीता ने ये नहीं कहा कि मेरी जिंदगी मिट्टी पलीत हो गई, पहले केकई, फिर रामचंद्र जी का दिमाग खराब हो गया और रावण का विकल्प खराब हो गया, मेरी जिंदगी तो पूरी मिट्टी में गई। बताओ कितने सुख हो गया उसे सीता ने, लेकिन किसी को दोष नहीं, कोई दोष नहीं। ओहो, पाप के उदय में ज्ञानी नहीं घबराते, पाप के उदय को दूर करने का अनर्गल उपाय नहीं करते। फिर से बोलता हूँ मैं, क्योंकि सब परेशान है इससे, पाप के उदय को दूर करने का अनर्गल उपाय नहीं करते ज्ञानी। फिर से बोलो, अनर्गल उपाय करने वाले ज्ञानी नहीं होते। राग की समय पूर्ति करना ये ज्ञानी का लक्षण है, राग की अनर्गल पूर्ति करना ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। अनर्गल समझ गए? अनर्गल क्या होता है ये भैया? अनर्गल हिंदी समझ आती है? अनर्गल माने आउट ऑफ लिमिट, अमर्यादित तरीका। ज्ञानी राग की पूर्ति करते अवश्य हैं, लेकिन मर्यादा में करते, अन्याय अनिति अवक्ष का सहारा नहीं लेते, देव गुरु धर्म की संस्कृति का उल्लंघन नहीं करते, वो मर्यादा है उसकी। आए समझ में भैया? सीता ने क्या किया, राम ने क्या किया? पाप भाव तो है लेकिन अमर्यादित नहीं करे। इसलिए आपने सीता को कहीं टेंशन नहीं पड़ी होगी, पढ़ लेना। अब पढ़ो जो मैंने आपको नक्शा दिखाया ना सीधे में, अब पढ़ो आप सीता को, अब पढ़ो आप अंजना को, अब अंजना को अब पढ़ो आप, कैसे सहते होंगे? किस बात का उत्तर दिया याद है आपको? ज्ञानी पाप के उदय में निमित्तों का विचार नहीं करते, याद है? बाकी निमित्त का विचार नहीं करते, विचार आए तो भले आए लेकिन निमित्त का विचार नहीं करते, वेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का अनुभव करते। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, ये सवाल थोड़ा कठिन है इसको सॉल्व कर दे। देखो, कर्म के उदय का विचार करते, उनका तो विचार नहीं करते ना, संयोग का, संयोग का नहीं, कर्म के उदय का विचार करते। अब मैं पूछ रहा हूँ, कर्म का उदय क्यों आया? हमारी तो किस्मत खराब है, ठीक है, किस्मत खराब है, किस्मत आई कैसे? कि पहले तूने त्रिकाली गाय की विराधना की थी, पहले त्रिकाली गाय की विराधना की थी, पर मैं सुख की कल्पना की थी, पर मैं तूने सुख दुख की कल्पना की थी, कर्तव्य भोक्तव्य की बुद्धि की थी, उसके फल में कर्म बंधा था, इसीलिए वो उदय में आया। सुनो, अब तुझे पाप का उदय नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम तो अब त्रिकाली गाय का आश्रय करो, ये पाप का उदय खिल जाएगा अनंत काल में। अब सीता को वो पाप का उदय नहीं आना जो आ चुका। सुनो, सीता ने अपने स्त्रीलिंग का छेद कर लिया, अब अनंत काल में स्त्री नहीं बनना है उसे, अब वो वहां से आकर के मोक्ष जाने वाली है। इसलिए कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए मतलब, उत्तर बोलो जरा, कर्तव्य करने का बोलो, कर्तव्य करना चाहिए माने त्रिकाली ध्रुव गाय का निर्णय करके अनुभव करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। एटले सुनो, त्रिकाली गाय स्वभाव का निर्णय करके, अकर्ता स्वभाव का निर्णय करके, अभी की भाषा में बोलो, कार्य कारण नहीं देखना चाहिए। ए क्या बोला? अकारण अकार्य मत, अकार्य कारण, अकार्य कारण माने कार्य नहीं देखना चाहिए और कारण नहीं देखना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए, ये कर्तव्य करना चाहिए। आया समझ आ रहा है?
फिर से अकार्य अकार्य माने कार्य नहीं दिखता, ज्ञानियों को कार्य देखने की आदत नहीं है इसलिए कारण दिखाई नहीं देता। इसको एक बहुत अच्छा शब्द आया पांच संभाग में, भवितव्य। भवितव्य माने कार्य नहीं कहा, भवितव्य का मीनिंग समझते हैं, भवितव्य का मीनिंग बोलो, होने योग्य, करने योग्य नहीं। भवितव्य का मीनिंग क्या है, होने योग्य माने जो कुछ हो रहा है वो योग्य ही हो रहा है, योग्य ही हो रहा है, जो कुछ बनाओ बन रहा है कर्म के उदय में योग्य ही हो रहा है, अयोग्य कभी होता ही नहीं। आपने दूध में नींबू डाल दिया, नींबू अब अयोग्य हो रहा है कि योग्य हो रहा है? अब हमारे कर्म का उदय, हमारे कर्म का उदय, हमारे पाप का उदय, हम तो मर गए, हमें क्या मालूम था। देखो अब तुम रो और चाहे गाओ, वो तो भवितव्य है, वो तो भवितव्य है। ऐसे ही ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ तेरे जो कुछ बनाओ बन रहा है, जो कुछ उदय आ रहा है, जो कुछ घटना घट रही है, वो सब भवितव्य है, होने योग्य है। यदि तू इसका दोष अभी किसी को देगा तो ये भवितव्य फिर होगा, इसका दोष तू फिर किसी को देगा तो फिर होगा। देखो मैंने दूध में नींबू डाला, अब दूध बढ़ गया, 10 लीटर दूध खराब हो गया, 1 लीटर हो गया, बात देखिए कोई बात नहीं, 1 लीटर खराब हो गया, तो अब हम गुस्सा हो गए, मैंने हम मैंने सास बहू पर गुस्सा हो गया कि तूने नींबू रखा क्यों था यहाँ, या नींबू रखा क्यों था, कि माता जी मैंने कहा रखा, आपने फ्रिज में से निकाला, तो फ्रिज में कौन ने रखा, लेकिन आपके लाडले साहब लाए थे खरीद करके शाम को, वो क्यों खरीद के लाए, जब मार्केट में बिक रहा था तो मार्केट वाला क्यों लाए, जो पैदा करा था। कितनी लंबी रामायण हो, अब मान के अपन लड़ते लड़ते उस कृषक तक पहुंचे जिसने पैदा किया था नींबू, तो वो कहेगा भैया तो हमारे पास मत आओ, इन सेठ जी को वहां ले जाओ आगरा इलाज कराने के लिए, नींबू पैदा क्यों किया, और फिर नींबू ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों रखा, उन्होंने ऐसा क्यों करा। बहुत समझाने पर उसको ये समझ में आया कि नहीं यार कृषक की गलती नहीं, फला की गलती, सेलर की गलती नहीं, परचेजर की भी गलती नहीं है, लेकिन आखिर गलती तो मेरी है। तो अब फिर नाराज हो गई कि बहू से बोली सार तूने मेरा हाथ क्यों नहीं रोका, भाई नींबू डल गया वो फट चुका, अब तो तुझे और जितनी हो रही है वो बदनामी हो रही है, उतना तेरे दिमाग की गर्मी मालूम पड़ रही है, उतनी तेरी और बदनामी हो रही है, तू बदनामी से बच, और नहीं तो आइंदा तुझे चक्कू भी पकड़ने को नहीं मिलेगा, नींबू पकड़ने को नहीं मिलेगा, दूध का गिलास नहीं मिलेगा। क्यों, हाथ पैर बांध के कमरे में डाल देंगे, क्यों कि जितनी गलतियां करोगे तुम फिर किसी कार्य का भवितव्य का आरोप हम पे डालोगे। बोला अच्छा ऐसी ऐसी सास हो तो सारे घर मीटिंग में क्या कहेगा, माता जी आप काम मत करना आज के बाद, आप तो एक तरफ बैठो आपको रोटी मिलेगी कपड़ा मिलेगा, आप चिंता नहीं करो एक तरफ बैठो, बोलो ये फैसला होगा कि नहीं होगा। मैंने तू और बंद जाएगी, अभी तो स्वतंत्रता थी, अब तो जैसे तू किचन में आएगी भी नहीं तो बहू कहेगी माता जी सीधे वहां जाओ, इधर नहीं आओ, क्या चाहिए वहीं से बोलो आप, वहीं से रोटी चाहिए मैं भेज रही हूँ, वहीं बैठो वहीं, क्यों क्या बात है। बंधन, ध्यान से सुनना, बंधन आजादी का दुरुपयोग है, आजादी का दुरुपयोग करने वाले बंधते हैं, आप करके देख लेना आजादी का दुरुपयोग घर में, न बांध दिए जाओ तो कह देना। हाँ भगवान आत्मा आजाद है, जगुण पर्याय आजाद है, तुझे उसमें एक भी पर्याय आगे पीछे करने के लिए भी परतंत्रता नहीं है, परतंत्रता नहीं है, ऐसी आजादी का आनंद करे वो यही सिद्ध है। मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध कहा, सम्यक दृष्टि को जगमाई जिनेश्वर के लघु नंदन का, यही अभी कार्य मत देख, अभ्यास काय करो, कार्य मत देख, ये तेरा कर्तव्य है, कार्य मत देख और कार्य का कारण खोज मत। प्रभुचंद साहिब जी में लिखा है, वहां से बहुत ही अच्छी है, निमित्तों की खोज में व्यग्र क्यों होती है, ऐसा शब्द लिखा है, निमित्त की खोज में व्यग्र क्यों होते हैं, आगे इतना समय आ गया। अब एक चर्चा इसी में और लेना है मुझे, इसी में ही खोलना है, अकार्य अकार्य याद हो गया, तो
कार्य नहीं है कुछ और उसका कोई कारण भी नहीं है। यदि कोई सब काम भी होगा, यदि कहना ही है, ध्यान से सुनना, जब कारण कारण नहीं है तो फिर कारण कार्य की इतनी चर्चा क्यों हुई? जिन वाणी में 99% चर्चा कारण कार्य की है, क्या बोल रहे हैं? जिन वाणी में 99% चर्चा कारण कार्य की है। यदि हम स्वामी जी के प्रवचन सुनेंगे तो कारण कार्य पर 99% प्रवचन है, पर आप इतना मना क्यों कर रहे हो कारण कार्य का? कह सकते हो ना आप हमसे? तो सुनो, सच्ची बात तो यह है कि कारण कार्य नहीं है ये परमार्थ, कारण कार्य का भेद नहीं है ये परमार्थ। परंतु अपरंतु मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा का प्रयोग है। तू कहीं ना कहीं कारण मानता है, तेरी बुद्धि कारण मानने की है। जैसे अभी आपको पत्थर लग जाए तो आप फौरन ढूंढो, कौन ने मारा पत्थर, कौन ने मारा? अब यदि वो 10वें माले पे कोई दिख जाएगा ना, अच्छा वो देखो वो बेचारा खड़े खड़े कंगी कर रहा था, नहीं तुझे तो कोई ना कोई दिखना चाहिए बस। तो तू किसी और को कारण मानता था, उस कारण का निषेध करने के लिए कहा। मैं कोई ना कोई दिखेगा, तुझे दिखेगा ही। बोला इनकी लाठी क्यों खुली? अरे आज इन्होंने काला धागा बांधा था। अच्छा अब सारे आदमी काले धागे बांधने लगे, लाठी कोई खुल नहीं रही। ग्रज मिथ्या है ना, ग्रज मिथ्या से समझाना चाह रहा हूँ। कल्पना करो यहाँ पर मेरे पाप का उदय है और यहाँ 1 करोड़ पब्लिक बैठी है, 1 वार्ड में, 1 मोहल्ले में 1 करोड़ पब्लिक है और मेरा भयंकर पाप का उदय है। तो ये ऐसा हुआ, ये जो घड़ी है ना घड़ी, आप सबके सामने 1 करोड़ पब्लिक के सामने ऐसे ऐसे नाचने लगे, ऐसे ऐसे बस 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए नाचने लगे, सबने देख लिया और इसके बाद मेरा पाप का उदय खत्म हो गया। तो घड़ी यही रखा गई और जो जो देवता था ना, जो देवता मेरे पाप का उदय निमित्त बनना था जिसको, वो भी चला गया, उसकी दम खत्म हो गई। 2 मिनट की तो आप पेट्रोल था उसके पास, मैंने पाप क्रोध का पेट्रोल कितना था, 2 मिनट। इसके बाद वो चला गया, अब कुछ नहीं करेगा, अब कुछ नहीं करेगा वो। 2 मिनट ऐसे घड़ी हिल करके चली गई आप सबके सामने बस, और हमने अपनी आंखों से देखा और 1 करोड़ पूरी पब्लिक मिथ्या दृष्टि चढ़ाओ भैया, हमने अपनी आंखों से देखा, झूठ नहीं है, आंखों से देखा, आंखों से देखा, मूर्ख ज्ञान से देखता। अरे गलत कारण पकड़ लिए ना, क्योंकि जब कोई क्रिया हुई, घड़ी ऐसी नाचती दिखी तो तुझे कोई ना कोई तो कारण ढूंढना ही था। और हमें मालूम है 2 मिनट का पेट्रोल तो नहीं, वो हमारे पाप क्यों देगा, और वो उसको निमित्त बनना था। तो देव तो भैया लिखा है चिन्हवाणी में, व्यंतरों को कौतूहल उपजता है और वो कौतूहल करने के लिए ऐसे जीवों को ढूंढते हैं जिसको वो निमित्त बन सके। इसीलिए वो कभी कभी जो तुम सुन लेते हैं ना, ऐसा हो गया गणेश जी ने दूध पी लिया, एक एक दिन पिया था वो थोड़ी देर ही पिया था, बाद में नहीं पिया किसी ने, लेकिन वो एक एक घटना देखने के बाद पूरा बस खत्म हो गया। अब नहीं सुना सकते मिथ्या किसी का, अब तो उसे मैंने मेरे पाप का उदय, मेरे पुण्य का उदय, मेरी कोई घटना हुई हो, ऐसे ही पुण्य पाप के उदय में किसी की कोई घटना घटी हो तो सारा जगत वहां ग्रहित मिथ्या में इसलिए चला जाता है क्योंकि उस कार्य को देखता है, लेकिन उस कार्य